Hello friends, good morning and welcome to India's largest learning platform, Unacademy. So Mr. Sachin, Divya, Shagun, Atul, Neha, Jay Mangal, Nirsha, Rani, Nekwan, S. Upadhyay, Aruna, Dimple, Shagun, Divya, Anjali, सभी बच्चों के लिए शिवांगी, अरविंद, विकास, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग. ठीक है, सो जैसा कि मैंने आज के टेलीग्राम जो पोस्ट मैंने किया था उसमें कि जो क्लास है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, तो इससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि आज की क्लास में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि वह काफी इंपॉर्टेंट है ना. तो इन सभी पर जो चर्चा है वह मैंने उसमें जो क्वेश्चंस हैं एंड जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ वो सारे मैंने उसमें पुट कर दिए थे. वेट कीजिए एक मिनट, शायद कुछ बफरिंग इशू हो रहा है. बफरिंग इशू है क्या, एक बार बता दो, देन हम क्लास को कंटिन्यू करें. बफरिंग इशू है क्या? सुजीत गर्मा, संगीता जल्दी से बताइए, सीके चंद, जितेंद्र, बफरिंग इशू है क्या? अंकिता, नेकवन, जल्दी से बताओ, मुझे लग रहा है जैसे कुछ बफरिंग इशू हो, देन मैं क्लास को स्टार्ट करूं. नो मैम, ओके राजकुमार एंड साजिया, थैंक यू. चलिए सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम आज की क्लास को. जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया, कल लास्ट का जो एक हमारा टॉपिक छूट गया था कि लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं, है ना, जैसे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर, हम अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजते हैं, तो आज हम संसद की भी बात करेंगे कि कौन कौन से पार्ट हैं संसद के, दोनों सदन की बात करेंगे, लोकसभा राज्यसभा की, न्यायपालिका की भी बात करेंगे, यानी टोटल हम संस्थाओं की बात करेंगे. तो समटाइम्स आपको चैप्टर का जो टाइटल है वह देख के समझ में नहीं आता कि लोकतांत्रिक संस्थाएं मतलब आप किसकी बात करने वाले हैं, बट जब मैंने उसको डिफाइन करके जो टॉपिक्स है वह मेंशन कर दिए टेलीग्राम में अपने क्लास के पोस्ट के साथ, देन आप सभी को समझ में आ गया. ठीक है, चलिए. सो वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. एंड बच्चे, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं वो सब मैं आपको बता दूं. व्हाट यू विल गेट, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर फुल कोर्स मिलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विज एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है. समटाइम्स मान लीजिए स्पेशल क्लासेस या कुछ क्लासेस मैं आपकी ले रही हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं कंटिन्यूअसली लूँ. ठीक है, कोई ऐसा बर्डन नहीं होता. अगर टाइम मिलता है देन मैं क्लास को शेड्यूल करती हूँ स्पेशल क्लासेस के लिए. तो अगर आप बच्चे प्लस की क्लासेस पर उस तरह की जो क्लासेस है नियमित तौर पर देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका कोर्सेज एकदम प्रॉपर शेड्यूल में जो है वह चले, देन आपको प्लस ज्वाइन करना है. ठीक है, इंडिया के टॉप 100 टॉप एजुकेटर्स बच्चे शामिल हैं, मृणाल पटेल सर हैं, रोमन सैनी सर हैं, मुदित गुप्ता सर हैं, आप इन सभी के जो वीडियोज हैं उन्हें देख सकते हैं. यूपीएससी सीएससी का जो प्लस कोर्स है अल्टीमेट है, एंड आपका सारा जो उसमें सिलेबस है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट कराया जाता है. सो गेट सब्सक्रिप्शन नाउ. एंड बच्चे अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इट्स 44K, एंड यूज माय कोड, अप्लाई कोड का जो ऑप्शन आता है तो यहाँ पे आपको मंजू 101 जो कोड है वह यहाँ पर अप्लाई करना है. देन आपको अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो फिर आपको ये 49 होगा. आपको कोड अप्लाई करना है तो अपने आप जो घटे हुए रेट हैं आपके सामने आ जाते हैं. आइकॉनिक का लेंगे वो बच्चे जिनके पास किसी तरह का जो सजेशंस है या टीचर्स के ये कहें कि किसी का मार्गदर्शन अवेलेबल नहीं है तो आप आइकॉनिक लेंगे बच्चे. ठीक है, 12 मंथ्स का 67 है आफ्टर यूज माय कोड, तो आपको कोड अप्लाई करना है मंजू 101. ठीक है, काफी सारे बैचेस है, 24 से स्टार्ट हुए हैं, वन ईयर का फुल बैच है बच्चे यूपीएससी सीएससी जो 2022 देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए, क्योंकि जो सिलेबस है वह काफी बड़ा है. ठीक है, सिलेबस छोटा नहीं है यूपीएससी का, एक बार देखो जरा, तो काफी समय लग जाता है. जो नए नए बच्चे हैं प्लस पर शिफ्ट हुए हैं तो उन सभी बच्चों के लिए बता दूं कि घबराने की
शुरू में उतावलापन, घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है, सालों लग जाते हैं उसको पूरी तरह से उस पर अपनी पैच बनाने के लिए। सो आराम आराम से चीजों को देखते रहो, ठीक है। एनसीईआरटी के बैचेस अवेलेबल है, जो 2022 देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए 2 ईयर का बैचेस अवेलेबल है। तो समटाइम्स कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मान लो आपने कहीं ना कहीं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के बारे में सुना है, या आप जानते हैं, या थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, देन आपको एक आध साल के लिए भी चल जाता है कि एक साल का ले लो। बट जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते ए से उनको शुरू करना है, तो बच्चे आप फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वह परचेज कीजिए। और जो बच्चे चाहते हैं कि जीएस के साथ साथ आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है, तो फिर आप दूसरा वाला परचेज करेंगे, कॉम्बो पैक जो 70 का है, ठीक है, 70 के एंड 5842 इट्स मंथली ईएमआई। और कोड अप्लाई जरूर करना है आपको, क्लियर। चलिए, सो लोकतांत्रिक राजनीति क्लास 9 आपका पॉलिटी चल रहा है, टोटल 5 चैप्टर है इसके, 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है, आज चौथा है और कल 5वां है। आज हम बात करेंगे संस्थाओं के कामकाज की। अब तक आपने समझा कि वाई डेमोक्रेसी, एंड अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं तो क्या उसकी जो मिनिमम जो उसके शर्तें हैं, प्रावधान है, क्या हम उसे फुलफिल करते हैं। संविधान का निर्माण की हमने चर्चा की, चुनावी राजनीति की कल हमने बात की, और चुनावी राजनीति में एक अहम टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो छूट गया था, उसे हम आज पहले कवर कर लेंगे स्टार्टिंग में 15-20 मिनट्स में, देन हम आ जाएंगे संस्थाओं के कामकाज पर। और कल आपका लास्ट बचता है लोकतांत्रिक अधिकार, तो हम इसमें फंडामेंटल राइट, बहुत सारे अधिकार की कल बात करेंगे, सो इंपॉर्टेंट होगी सारी क्लासेस, कोई भी एक मिस करेंगे, आगे जब हम स्टैंडर्ड में चीजों को पढ़ रहे होंगे तब आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, इसलिए आपको कोई भी क्लास जो है बच्चे वह स्किप नहीं करनी। आई होप काफी सारे बच्चों ने इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वह लिखा होगा। मैंने आप सभी से क्वेश्चन पूछा था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, भारत में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करते हुए चुनाव सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का विश्लेषण कीजिए। कितने बच्चों ने लिखा है, बट जस्ट आप वेट कीजिए, मैं टेलीग्राम से उन बच्चों के एक बार क्वेश्चंस ले लूं। जिन बच्चों ने आंसर लिखा है, जस्ट एक मिनट का आप मुझे समय देंगे बच्चे। ठीक है, तो ये कौन है जिसने लिखा है? ओके, आनंद राज पता नहीं क्लास में है या नहीं, अगर है तो बता दीजिए। सो आनंद राज ने शायद अभी आंसर भेजा था इस क्वेश्चन का, और काफी अच्छा। एक मिनट बच्चे, आनंद राज ने बताया है शुरुआत में, देखो मैं चेक कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स का आंसर जिन्होंने अच्छा लिखने का जो प्रयास है वह किया। तो इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोगों की भागीदारी होती है, जनप्रतिनिधि का हम चुनाव करते हैं, और स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव है भारतीय लोकतंत्र की आत्मा, यानी शुरू में आपने इसका इंपॉर्टेंस बता दिया। फिर इन्होंने सेकेंड में बताया है कि प्रभावित करने वाले कारक क्या है, फिर इन्होंने ये प्रयास बताया है कि कुछ समितियां बनती है, तारगुंडे समिति से लेकर चुनाव आयोग की रिपोर्ट, विधि आयोग की रिपोर्ट, गोस्वामी समिति, इन सभी पर आपने बात की, ठीक है। और उसके बाद आपने जो चुनाव सुधार है 2000 के पहले, यानी 2000 जो वर्ष उसके पहले कौन से हुए और उसके बाद कौन से हुए, और सबसे लास्ट में इन्होंने निष्कर्ष लिखा। देखो परफेक्ट आंसर है भाई मेरी नजरों में तो, ठीक है। वर्ड लिमिट भी ठीक ही ठाक है आपका, तो इन्होंने जो वर्ड लिमिट है वह भी अच्छा लिखा। ऐसा नहीं कि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख दो आपकी वर्डन हो जाए देखने में, एकदम शॉर्ट पॉइंट्स बनाओ। शॉर्ट पॉइंट्स तभी बनते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। सो आनंद राज का परफेक्ट आंसर है, जो भी बच्चे देखना चाहें आप जरूर देखिए, टेलीग्राम पर है, मैं इसे पिन कर दूंगी ताकि आप सभी समझ सके, ठीक है। अब देखो इन्होंने बताया कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले क्या कारक है, तो इन्होंने एक क्रम से आंसर दिया है। वर्ड लिमिट भी ठीक है, क्रम से आंसर दिया है, सभी पॉइंट्स को कवर किया है, ऐसा नहीं कि कुछ भी इन्होंने छोड़ा हो, ठीक है। सभी पॉइंट्स को इन्होंने कवर किया है। सो मैं ये कहूंगी कि अगर मुझे इसमें से 10, वैसे भी जो यूपीएससी बच्चे कभी भी आपको 50-55% में तो टॉपर ही हो जाते हैं, तो हर एक क्वेश्चन का जो रेशियो होता है कि आपको कभी भी 50 या 55% से हाईएस्ट मार्क्स उसमें नहीं मिलते मोस्टली, ठीक है। तो आपको अगर मुझे 10 में से इसमें आंसर देना हो तो लगभग मैं आपको 5 दे सकती हूँ,
ठीक है, 90% जो मार्क्स हैं जो देने वाले होते हैं उसमें से मैं दे सकते हैं, क्योंकि आपने सारी बातों को बहुत अच्छी तरीके से लिखा है आनंद, वेरी गुड। चलिए, सो फिलहाल एक बच्चे का आंसर ही बहुत ठीक है, और आप सभी देख लीजिएगा, डेली देखूंगी जो सबसे बेस्ट आंसर होगा उसे ही हम क्लास में लेंगे, अदरवाइज अननेसेसरी जो क्लास है वह बड़ी हो जाएगी। ठीक है भाई, टेलीग्राम पर जरा टैग करके आनंद को कोई बता दो कि इस मिनट पर उसकी जो कॉपी है वह चेक हुई है। समटाइम्स आप सभी को लगता है कि मैम चेक नहीं करती। अब देखिए, लास्ट मैंने जो आपकी क्लास हुई थी चैप्टर नंबर 2, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमने संविधान का निर्माण किया तो हमने कहा कि उधार का, कुछ लोगों ने आलोचना की, कहा उधार का थैला है, एक झोला है जिसमें उधार ली गई जो वस्तुएं हैं उसको भर दिया, यानी विभिन्न देशों के हमने प्रावधान लिए और उसमें एक थैले में ठूस दिए। तो यही बात है कि आज आपको ये क्वेश्चन जो है खूब यूपीएससी पूछता है कि आपने किस देश से कौन सी व्यवस्था ली। आपके सामने एक क्वेश्चन है, बताइए जरा, इससे आप ये भी पता चलता जाएगा कि कितने बच्चे जो रिविजन भी करते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से अपनाई गई? संसदीय सरकार, कानून के नियम, महाभियोग, द्विसदनात्मक व्यवस्था, बताइए जल्दी से। अच्छा आनंद, आपको पता चल गया, अच्छी बात है, वेरी गुड, अच्छा आंसर है आनंद आपका, परफेक्ट आंसर है। ठीक है, सो काफी सारे फ्रेंड्स हैं, कौन सी व्यवस्था हमने इंग्लैंड से अपनाई? अच्छा ये बताओ, जो बच्चे 1, 2, 3 जिन्हें लग रहा है, महाभियोग हमने जो अपनाया था वह अमेरिका था, महाभियोग की जो व्यवस्था है वह हमने अमेरिका से अपनाई है, ना कि हमने इंग्लैंड से अपनाई है। सो संसदीय सरकार बिल्कुल सही है, और संसदीय सरकार में 2 सदन, अपर एंड लोअर हाउस, सो द्विसदनात्मक व्यवस्था भी करेक्ट है, कानून के नियम भी करेक्ट है। तो ये व्यवस्थाएं हमने इंग्लैंड से ली, यानी 1, 2 और 4 कहां पर है, 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में। तो जिन फ्रेंड्स को लगता है सी, तो आपका जो आंसर है बच्चे वह सही है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आ जाओ, भारतीय संविधान के द्वारा कौन सी व्यवस्था अमेरिका से अपनाई गई है? मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, प्रस्तावना या संघवाद, जल्दी से बताइए। कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, इस तरह से आंसर दिया करो, 2 का A या B या C। ठीक है, आंसर लिखने का ये तरीका होना चाहिए आपका। अगर मैंने यहां पर दिया हुआ है आपको सीरियल नंबर, आप भी अगर लिख देंगे फ्रेंड्स तो मुझे आसानी होगी देखने में। ठीक है, तो मिस्टर सचिन लिखते हैं, टू का डी लगता है काफी सारे बच्चों को। चलिए आइए देखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को सी लगता है, तो इतने सारे मैसेज में संभव था फाइंड कर पाना किससे सी दिया डी दिया, संभव नहीं। आइए मैं बताती हूँ, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो देखो मौलिक अधिकार तो चिल्लाता है भाई अमेरिका, ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज कहीं लिखा हो, ठीक है, या फिर हम राइट्स की बात कर ले तो ये बात कौन करेगा, अमेरिका की। बट वही जब हम बात करते हैं राइट्स की, नॉट ड्यूटीज, ठीक है, जब हम मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, ड्यूटीज की, ड्यूटीज यानी कर्तव्य हुआ, वो साथ में नहीं होंगे, यहां पर केवल फंडामेंटल राइट्स है। मौलिक कर्तव्य की जब हम बात करेंगे तब इस संदर्भ में हम सोवियत संघ से प्रभावित होते हैं, सोवियत संघ यानी कि रशिया, तो ये याद रखना, अमेरिका बात करेगा अधिकारों की और सोवियत संघ बात करेगा कर्तव्यों की, और गांधी जी बात करेंगे कि अगर आपने अपने कर्तव्य ठीक से निभाए हैं तो आपको अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं है, और ये बात संविधान के किन खंडों पर फिट बैठती है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि गांधी जी का जो ये कॉन्सेप्ट है वह कहां पर है। ठीक है, सो देखो ये 3 बातें तो बिल्कुल सही है, जो न्यायिक समीक्षा है
कि अपने निर्णयों का खुद न्यायिक पुनरावलोकन भी कर सकता है, और साथ ही अगर विधायिका या कार्यपालिका ने किसी भी तरह से संविधान का उल्लंघन किया है, कानून के नियम का उल्लंघन किया है, या फिर किसी भी तरह से वह फंडामेंटल को ओवरलैप करते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जुडिशरी एक्टिविज्म की बात करते हैं, न्यायिक सक्रियता की बात करते हैं, समीक्षा की बात करते हैं, और डेफिनेटली प्रस्तावना की जो भाषा है वह भी हमने कुछ कुछ अमेरिका से ली है। ठीक है, संघवाद की जब हम बात करते हैं तो ये हमने कनाडा से लिया है। क्लियर, संघवाद हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। 1, 2, 3, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा निम्न पर विचार कीजिए, अब अमेरिका भूल जाओ, भारतीय संविधान की निम्न व्यवस्था पर विचार कीजिए। सोवियत संघ से बुनियादी कर्तव्य, समाज का सामाजिक दृष्टिकोण। आयरलैंड से राज्य की नीति के निदेशक तत्व, बोले तो डीपीएसपी डायरेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, और संघवाद कनाडा से, बताइए। अच्छा देखो, एक बार मैं आपको अगर एलिमिनेशन मेथड बताऊं, एलिमिनेशन मेथड आप तब यूज नहीं कर सकते जब आपको ये पता हो कि हाँ ये तो सही ही है। जैसे आप सभी को इतना पता चल गया लास्ट क्वेश्चन से कि संघवाद तो भाई कनाडा से, बिल्कुल सही, लेकिन अब ये चार तो तीन में है, तो अगर आपको हाँ पता है तो आप वहां एलिमिनेशन नहीं कर सकते, वहां पर आप एलिमिनेशन यूज नहीं कर सकते, यहां पे तो आप कंफ्यूज बस होते हो। अगर आपको ना पता है कि भाई ये तो नहीं ही है, देन वहां पर एलिमिनेशन जो मेथड है वह यहां पर वर्क कर जाती है, समझे। बताइए क्या होगा आंसर। सोवियत संघ से बुनियादी कर्तव्य, ठीक है, अभी तक मैंने आपको यह तो बता ही दिया कि हमें रूस से जो कर्तव्य है, ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसकी बात ली, लेकिन बाकी का आपको नहीं पता। स्पेशली आपको यह भी अगर पता है कि आपने जर्मनी से, अगर हमने जर्मनी का जो बीवर संविधान है, हम बीमार संविधान भी कहते हैं, बीवर संविधान है, वहां से हमने आपातकाल की व्यवस्था ली, ये बात भी तय है, लेकिन जब हम इसमें आपातकाल में जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, क्या उस व्यवस्था को हमने जर्मनी से लिया, क्या उस व्यवस्था को हमने जर्मनी से लिया है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी आप सभी को लगता है वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, चलिए आइए कल के आज पाठ पर चलते हैं, जो कि है चुनावी राजनीति। और देखो, चुनावी राजनीति में हमने काफी सारी बातें की थी, और आज हमें बात करनी है कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक क्यों है, भारत में, एक ही स्लाइड पर बताने की कोशिश करूंगी, चुनाव चैप्टर 3 का एक बचा हुआ टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे स्किप नहीं कर सकते, ना ही रिवीजन के भरोसे छोड़ सकते हैं। भारत में चुनाव लोकतांत्रिक क्यों है, ठीक है, इसे हमें देखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे फर्स्ट तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि हमारे यहां स्वतंत्र चुनाव आयोग है। फर्स्ट इसका रीजन हमें देना है कि इंडिया में स्वतंत्र चुनाव आयोग है, निर्वाचन व्यवस्था है। कब हुआ था चुनाव आयोग का उद्घाटन, ये डेट यूपीएससी पूछ चुका है, सोचो, अरे हम गणतंत्र जब हुए या फिर हमारा चुनाव व्यवस्था किस दिन प्रभाव में आती है, कब इसकी स्थापना होती है, तब तो इंपॉर्टेंट है ना आपको जानना। सो स्वतंत्र चुनाव आयोग की जब हम बात करते हैं, आप मुझे उद्घाटन की तिथि बताइए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि भारत में क्या ये स्वतंत्र है व्यवस्था, भारत में चुनाव आयोग कैसा है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, और इस स्वतंत्रता का मतलब है कि वह कार्यपालिका या विधायिका इसके दबाव में नहीं है, कार्यपालिका या फिर विधायिका के दबाव में नहीं है। सो पहली चीज जो हमें मिल जाती है कि स्वतंत्र चुनाव आयोग है, इसलिए हम कहेंगे कि यह निष्पक्ष है, ठीक है, और ये साथ ही साथ न्यायपालिका के समान ही आजाद है। जैसे हमारे देश की न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका के समान आजाद है। अब एक व्यवस्था हम देखें, बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, और यहां पर मैं आपको यही बताती हूं कि इसी की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनकी जो नियुक्ति है
राष्ट्रपति करते हैं। कौन करेगा नियुक्ति? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, जो कि जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होते बल्कि चुने हुए होते हैं संसद और विधायिका के सदस्य के द्वारा। लेकिन एक बार जब ये मुख्य चुनाव आयुक्त, अगर ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर एक बार अपने पद पर आसीन हो गए तो ये सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। से जब हम बात करते हैं सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा है ना, लोकसभा, जिसे हम भले लोअर हाउस कहते हैं तो नाम में कुछ नहीं रखा, हमारे यहाँ शक्तिशाली जो है वह लोकसभा ही है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जब हम बात करते हैं, एक बार अपने पद पर आसीन हो गए, आरूढ़ हो गए, उसके बाद ये सरकार के प्रति इनकी जवाबदेहिता नहीं है। ठीक है, अब निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं? जैसे चुनाव की अधिसूचना जारी रखना। अब देखो यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्वतंत्र चुनाव आयोग है, अच्छी बात है। अब इसके होते हैं कुछ कार्य, जैसे अधिसूचना। किसकी? चुनाव की। चुनावी अधिसूचना जारी करना। यूपीएससी पूछता है कि ये राष्ट्रपति का कार्य है, बिल्कुल गलत था, राष्ट्रपति के कार्यों में शामिल करके आपको दे दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखें इसमें कि नतीजों की घोषणा करना, जो भी चुनावी नतीजे हैं उन नतीजों की घोषणा करना, ये भी इसका कार्य हो जाता है। चुनावी प्रक्रिया का पूरा जो संचालन है, चुनावी प्रक्रिया का संचालन, इस पर नियंत्रण, निर्देशन, मार्गदर्शन, सारा जो कार्य है फ्रेंड्स वह इनका होता है। ठीक है, और वही अगर हम आदर्श आचार संहिता की बात करें तो इसे लागू कराना, आदर्श आचार संहिता या चुनावी संहिता, आदर्श आचार संहिता को लागू कराना भी इसका कार्य है। और अगर कोई पार्टी इसका उल्लंघन करे तो उसे दंड या सजा देने का जो पावर है वह भी निर्वाचन आयोग के पास होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। यानी अगर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को भी रोकना है तब भी जो स्वतंत्र चुनाव आयोग है वह हमारे यहाँ क्या करेंगे? कार्य करेंगे। सो फर्स्ट जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? अब जल्दी से हम बाकी के दो पॉइंट और देख लेते हैं और हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। मुख्य चुनाव आयुक्त का याद रखना है कि सरकार के प्रति ये जवाबदेह नहीं होगा। देखो समटाइम्स ना बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि आप संविधान में पूरा रिफॉर्म बता दें, अब बहुत ही ज्यादा आप उसमें चेंजेस बता दें। आपसे सिंपल बातें पूछी जाती है कि अगर एनसीईआरटी में लिखा है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त, अगर ये सरकार के प्रति जवाबदेह होगा तो अभी सी बात है, फिर तो ये दब जाएगा, उसे जवाब देना पड़ेगा, तो ये जवाबदेह नहीं है। और वही है कि जो टीटी सेशन आते हैं तब पता चलता है निर्वाचन आयुक्त खुद करे, हम तो इतने पावरफुल थे, हम तो खाम का ही राजनीतिक पार्टियों को तवज्जो देते रहे। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और शेयर करो इसे ग्रुप में, ज्यादा बच्चे शेयर ना करें कृपया, धोखेबाज संख्या जो है वह रुक जाए। समझ में आ रहा है सभी फ्रेंड्स को? तो जल्दी से फ्रेंड्स आप सभी जुड़े रहे, कोई भी क्लास से हटे ना, और साथ ही साथ आप अगर बाकी बच्चों को भी ज्वाइन कराते रहेंगे लिंक शेयर करके, तो जो क्लासेस में संख्या है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये फ्री क्लासेस पहुंचेगी। चलिए अब हम नेक्स्ट इसमें आगे, दो बातें और हमें समझनी है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी और चुनावी नतीजों को स्वीकारना, ये भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। चुनाव में लोगों की भागीदारी, चुनाव में लोगों की भागीदारी होना, ठीक है, ये क्या था? ये आपको ये प्रूफ कराती है कि भारत की जो चुनाव की प्रक्रिया है वह लोकतांत्रिक है। अच्छा एक बात बताओ, आपने जिस व्यक्ति को चुना बट वो शासन करने नहीं आया, आपको लगा कि हम वोट तो इस आदमी को दिए गए थे बट वो जीता नहीं, वो उम्मीदवार नहीं जीता, और जिसे नहीं दिए गए थे, जिसकी लोकप्रियता नहीं थी, वह जीत गया, तो ऐसे में क्या आप भागीदार होंगे चुनाव में? शायद नहीं होंगे, है ना। तो चुनाव में लोगों की भागीदारी कब होती है? जब चुनाव कैसे हो? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो,
और आपको लगे कि आपने जिसे चुना है वही वही शासन कर रहा है, देन ही आप भागीदारी करोगे। तो अगर लोग भागीदारी करते हैं तो ये इस बात का प्रूफ है कि भारत में जो चुनावी जो प्रक्रिया है वह कैसी है, लोकतांत्रिक है। अब वही फ्रेंड्स अगर हम बात करें, दो फैक्ट मैं आपको बताती हूं जो इसमें बताया गया है कि जो गरीब वर्ग है, निम्न वर्ग है और असाक्षर है, ठीक है, इसकी जो भागीदारी है वह कैसी है, ज्यादा है। इसकी भागीदारी कैसी है फ्रेंड्स, ज्यादा है, बजाय किसके, अमीर और उच्च वर्ग। इनके पास तो सब है भाई, हमें क्या करना वोट से। अमीर और जो ज्यादा उच्च वर्ग होता है उसकी तुलना में गरीब व्यक्ति जो है उसकी भागीदारी अधिक है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि ये उम्मीद करता है कुछ परिवर्तन की शासन व्यवस्था में और इसलिए ये उसी उम्मीद से क्या करता है बच्चे, भाग लेता है। ठीक है, अब देखो इस चीज का महत्व क्यों है। इस चीज का महत्व इसलिए है क्योंकि इस वर्ग को लगता है कि अगर हमें अपने यहाँ जो सुविधाएं हैं वह चाहिए, है ना, इसे लगता है कि अगर वह वोट देंगे तो अपने अनुकूल नीति बनवा लेंगे। महत्व इसलिए है क्योंकि लगता है कि अगर हम वोट देंगे, हमारे मनपसंद की सरकार अगर चुनी जाएगी, वोट देंगे तो जो नीति है वह हमारे अनुकूल होगी। एक स्थानीय सत्ता को या फिर किसी एक जगह पर बिल्कुल उसे मतलब नहीं है कि केंद्र में कौन है, बीजेपी है नहीं है, कांग्रेस है नहीं है, उसे मतलब है उस निर्दलीय उम्मीदवार से या किसी भी पार्टी के उस नेता से जिस पर उसका ट्रस्ट है, जो उस जगह का है, है ना, और वह उससे कहता है कि वह उन जनता को, स्थानीय जनता को जो विश्वास दिला दे कि हाँ ठीक है, हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम यहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा करा देंगे, अगर मैं चुनाव में जीतता हूँ या जीतती हूँ तो मैं यहाँ पर रोड बनवा दूंगी, ठीक है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, अगर लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो जाए, आप उसे ही वोट करोगे, तो ये व्यवस्था क्या बताती है कि आपकी जो नीतियां हैं वह आपके अनुकूल होंगी। इसलिए महत्व है कि गरीब और निम्न और जो असाक्षर वर्ग है वह अपने उन्नति के लिए, अपने साधन प्राप्ति के लिए, अपने बुनियादी अवसंरचनात्मक के विकास के लिए वह डिपेंड है अपने इस वोट पर, समझे, वह किस पर डिपेंड है, अपने इस वोट पर डिपेंड है। अब देखो अगर हम भारत की बात करें तो जब से हमारे यहां वोटिंग शुरू हुई है ना, तो मतदान का प्रतिशत गिरा नहीं है। किसी भी बच्चे को पता है क्या कि जो हमारी लेटेस्ट लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें कितने प्रतिशत मतदान हुए थे और उसमें महिलाओं का परसेंटेज ज्यादा था या पुरुषों का परसेंटेज ज्यादा था, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब हम महत्व की बात करते हैं और इसमें आपको एक चीज ये प्रूफ करती है कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, लोग जिसे चाहते हैं उसे वोट देते हैं, वह चुनकर आता है, नीतियां इनके अनुकूल होती है। सो लास्ट में हमें क्या लिखना है कि भारत में जो मतदान का एक स्तर हम कहें कि या तो वह बड़ा है या तो वह स्थिर रहा है, मगर कम नहीं, वो या तो बड़ा है या तो फिर वह स्थिर रहा लेकिन कभी भी कम नहीं हुआ, तो ये चीज बताती है ना भाई कि लोगों की भागीदारी है, तो ये आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था। अब लास्ट है चुनावी नतीजों को स्वीकारना। कल्पना कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए और अमेरिका के बारे में सोचिए कि वहां के राष्ट्रपति चुने जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी धांधली हुई है जो भी दिन, और उन्हें सत्ता जो है उस पर काबिज नहीं होने देते, जो पहले वाला व्यक्ति है वही उस पर बैठा रहता है। तो ये क्या था कि आपने चुनाव के नतीजे नहीं स्वीकारे, आपको लगता है कि उसमें धांधलीबाजी हुई है, फिर जो भी कारण रहा हो। तो मुख्यतः भारत में यह कहा जाता है कि अगर कहीं पर कोई सत्तारूढ़ दल है, आपको लगता होगा कि कांग्रेस, अरे कांग्रेस तो इतने साल से, हो सकता है कभी यहां से हटे ही ना, पता चले एक निर्दलीय पार्टी खड़ी हो जाए या फिर निर्दलीय कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए और उसकी सत्ता को हटा दे। अरविंद केजरीवाल का आप दिल्ली में देख सकते, जिसका कोई बहुत ज्यादा बैकग्राउंड राजनीतिक तो रहा नहीं, लेकिन किस तरह से दिल्ली में है तो है। तो इस तरह की बातें क्या है कि जनता जिस पर विश्वास करती है, ठीक है, वह उसे वोट देती है। अब चुनावी नतीजों को स्वीकारना,
क्या कहेंगे इसमें हम कि भारत में जो सत्ता में रहा तीन में से तीन सत्ता शासक में से दो बेदखल हो गए। तीन सत्ता शासक अगर रहे, अगर मान लो कहीं पर तीन लोग ऐसे हैं जो सत्ता पर काबिज हो, अगर चुनाव हुआ तो इस तीन में से दो लोग बेदखल हो गए, केवल हो सकता जिसने अच्छा काम किया हो वह केवल एक बचा रह जाए। ठीक है, तो इस तीन सत्ता अगर शासन रहा तो इसमें से कितने हट गए, जब चुनाव हुआ तो दो लोग कैसे हो गए, हट गए या हार गए। और जब ये हारे तो इन्होंने नतीजों को स्वीकारा और कहा कि ठीक है लोगों की इच्छा थी और अगर हमें मतदान अगर हमें नहीं मिला बहुमत तो इसके पीछे कुछ नीतियां रही होंगी, यानी उसने चुपचाप स्वीकार कर लिया चुनावी नतीजों को और उस चीज से हट गया। तो भारत में क्या हो गया कि जो शासक दल है जिसका सत्ता भले हो लेकिन वह हारता है, तीन में से दो लोग हार जाते हैं। और देखो वही हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये हो गई इंडिया की बात, अब अमेरिका पे आ जाओ। अमेरिका में कहा जाता है शायद ही कभी शासक दल हारता हो, यानी कुछ ना कुछ तो यहां पर प्रॉब्लम है कि शायद ही कभी कोई हारता हो, है ना। शासक कभी चुनाव नहीं हारता अमेरिका में कभी भी। और वही अगर हम भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत के बाद से ही भारत में जो आधे जो विधायक, पहले विधायकों की बात कर लूं कि विधायक हो या फिर सांसद हो, लगभग आधे लोग हार जाते हैं, हर बार की यही हाल है ना। और जो पार्टी हार गई है वो जनादेश को मान लेती है, पार्टी जो हार गई हो वह क्या करती है, जनादेश को मान लेती है, यानी लोगों के आदेश को, लोकतंत्र तो वही ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, तो वह क्या करती है जनादेश को मान लेती है। सो दैट्स व्हाई वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री एंड जो इलेक्शन है वह भी कैसे हैं, डेमोक्रेटिक है, जनादेश को मान लेती है। क्लियर, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में जो चुनावी व्यवस्था है वह लोकतंत्रात्मक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, ठीक है, भागीदारी गरीब वर्ग की है, गरीब वर्ग के लिए ज़्यादा महत्व अपने अनुकूल नीतियाँ बनवाता है, चुनावी नतीजों को स्वीकारने की बात आती है। तो अमेरिका में कभी शासक दल नहीं हारता लेकिन भारत में लगभग आधे लोग हार जाते हैं और जो पार्टी हार गई वह जनादेश को मान लेती है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के तत्व है, लोकतांत्रिक चुनाव के तत्व है जो कि भारत में मौजूद है। इसलिए हम कहेंगे कि भारत में जो चुनाव है, जो व्यवस्था है वह कैसी है, लोकतांत्रिक है। क्लियर, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट भेज दो। हो सकता है आनंद आप क्लास के बीच से आए हो बच्चे, अगर आप स्टार्टिंग से आते तो फिर आपको जरूर जो चीजें हैं वह समझ में आती है ना, या फिर नहीं है जो नहीं समझ में आता पूछ सकते हैं आप। तो सुरेश आप लिखते हैं कि अगर देखा जाए तो हमारे देश में जो चुनावी व्यवस्था है वह बिल्कुल भी निरपेक्ष निष्पक्ष नहीं है। देखो आदर्श में बातें अलग हैं, आदर्श भारत की बात अलग है, गांधी का आदर्श अलग है, नेहरू का आदर्श अलग है, लेकिन जब हम उस चीज़ को वास्तविकता से तोलते हैं तो चीज़ें जस्ट गलत है, ठीक है, उल्टी हमें अपोजिट नज़र आती हैं। और इसलिए जितने आपको अवसर है कि अब आप लिखेंगे ना कि अगर आपके लिए मान लीजिए प्रश्न है कि भारत में जो चुनावी व्यवस्था है वह लोकतांत्रिक क्यों है, आप किन आधारों पर इसे लोकतांत्रिक कहते हैं, साथ ही आप अगर आपको ये लिखना हो कि लोकतांत्रिक अगर चुनाव की हम प्रॉब्लम्स की बात करें, जो कि लास्ट मैंने आपको क्वेश्चन दिया था एक मेंस वाला, ठीक है, कि चुनावी व्यवस्था के प्रॉब्लम्स क्या है, तो वह भी आपको उसमें शामिल करके एक निष्कर्ष दे देना कि हाँ वर्तमान में जो हमारी चुनाव व्यवस्था है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, बट सुप्रीम कोर्ट, कार्यपालिका, विधायिका सभी को मिलकर कुछ ना कुछ जो प्रयास है वह करने चाहिए, लोगों को भी मिलकर प्रयास करने चाहिए। अब देखो इसलिए हम एक बार जरा चुनौतियों पर देख लेते हैं कि जितनी हमारी जो भागीदारी व्यवस्था है वह लोकतंत्रात्मक है उतनी चुनौतियां भी हैं, जैसे पैसे की शक्ति और अनुचित साधनों से जीत। अगर हम बात करें कि धन बल बाहुबल का प्रयोग होता है, लास्ट में हमने चर्चा की थी कि जिसकी पृष्ठभूमि जितनी आपराधिक होगी, जितनी आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति होगा उतना ही उसे
फायदा मिल जाता है राजनीति में, है ना, टिकट पाने में या जीतने में। सभी उम्मीदवार के पास वोट के लिए अपील करने का समान अवसर है और ये सभी को प्रदान किया जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। एक साधारण नागरिक के लिए जीतने की जो संभावना है वह भी कम होती है, क्योंकि जो अगवा राजनीतिक पार्टियां हैं यानी जिनकी ऑलरेडी चलती है, जिनके विधायक सांसद रह चुके हैं, तो वह पार्टी प्रमुखता से राज करती हैं। और अगर मान लीजिए कोई निर्दलीय है तो हो सकता है 100 में से 1 व्यक्ति आगे आ जाए, बाकी तो नहीं आते ना सामान्यतः। तो इसमें ये कहा जाता है कि ये चुनौतियां हैं, छोटे दलों के ऊपर विशाल दलों का अनुचित लाभ। अगर आपके छोटे दल है, आपकी पहुंच नहीं है, तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा, बजाय इसके कि उसको पता है कि ये बड़ी पार्टी का है और उसको लाभ जो है वह मिल जाता है। ठीक है, आपराधिक करेक्शन वाले उम्मीदवारों को चुनावी दौड़ से बाहर निकालना ये चुनौती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि है ही नहीं, हम कहें कि राजनीति का अपराधीकरण या अपराधी का राजनीतिकरण, यूपीएससी इस पे ऐसे पूछ लेता है, राजनीति का अपराधीकरण। दोनों बातें सेम है, कहने का तरीका अलग है। जब हम पहली वाली लाइन की बात करते हैं, राजनीति का अपराधीकरण यानी राजनीति में आपराधिक जो तत्व है उनकी पैठ बन जाना, और दूसरा जब हम कहते हैं कि अपराधी का राजनीतिकरण यानी एक अपराधी का प्रवेश हो जाना, बात को कहने के तरीके अलग है, बात सेम ही है। तो जब हम राजनीति के अपराधीकरण की बात करते हैं, तो बहुत बड़ी हमारे सामने चुनौती है कि हम इन्हें क्या कर सके, चुनावी दौड़ से बाहर कर सके। और ऐसे जो नियम है वह संसद इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि लगभग सभी जो पार्टी के मेंबर्स हैं अपनी सुख सुविधा के लिए या फिर अपने रौब और दबदबे के लिए किसी ना किसी जो इस तरह के आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उनसे सपोर्ट इनको मिलता रहता है, तो ये चाह के भी उनके खिलाफ कुछ बना नहीं पाते। ठीक है, कोई नियम। कुछ परिवार राजनीतिक दलों पर हावी होते हैं, ये चुनौती है। अगर हम परिवार को रूप में, अगर परिवारवाद हो कि एक ही परिवार के लोग प्रधानमंत्री बनते जाएं, आप सभी को पता होगा कि किस तरह से कई बार केवल जब हम प्रथम प्रधानमंत्री की बात कर लें, ठीक है, और उसके बाद किस तरह से एक ही परिवार के जो है कितने सारे प्रधानमंत्री हुए, तो वो कहीं ऐसा नहीं है कि पूरे इस भारत देश में 135 करोड़ लोग आज हैं, क्या दूसरे परिवारों में कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है जो आ सके प्रधानमंत्री के पद पर। तो ऑब्वियसली बात है कि जो परिवारवाद हो वह बिल्कुल ना हो, नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप यूपी बिहार की राजनीति की बात कर लीजिए, परिवारवाद है उसमें साफ झलकता है। बड़ी दलों की तुलना में छोटी पार्टियां और स्वतंत्र उम्मीदवारों को भारी नुकसान होता है। बूथ कैप्चरिंग, पार्टी या उम्मीदवार के समर्थक या बाहुबलियों को एक मतदान केंद्र के भौतिक नियंत्रण का लाभ मिलता है। ठीक है, बूथ कैप्चरिंग कर लेना, मान लीजिए हम बूथ की बात करें, आपने कई बार देखा होगा कि जो बूथ है उस पर वोटिंग ही नहीं हो पाई, ठीक है, जो वहां पर ठीक से वोटिंग नहीं हो पाई, और स्पेशली अगर हम किसी नक्सली इलाके की बात कर लें तो वहाँ पर लोग जाते ही नहीं है वोट देने, उन्हें पता है कि कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉब्लम ज़रूर होगी। ठीक है, मान लीजिए जो मतदान पेटी, जो मत पेटी थी वही लूट के ले गए, उन्हें पता है कि हम नहीं जीतने वाले, सामने वाला जीतने वाला है, तो दूसरी वाली पार्टी ने इस तरह के जो कांड है वह करवा दिए। तो ये सारी हमारी चुनौतियाँ ही तो हैं। हेराफेरी, धोखाधड़ी और अप्रियता एक पार्टी या उम्मीदवार के द्वारा वोट को बढ़ाने में लिप्त है। ठीक है, तो धोखाधड़ी इस तरह से भी हेराफेरी हो जाती है। जब वोटिंग राइट, जब हम वोटर आईडी की बात करें कि उतना ज़्यादा वोटर आईडी का अगर महत्व नहीं था या वह अनिवार्य नहीं था, तो किसी के भी वोटर आईडी पे जाके कोई भी देकर आ जाता था जब तक उसे मिलान नहीं किया जाता। अब तो वोटर का मिलान भी होने लगा है डिजिटल आईडी से, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इससे निपटने के लिए उपाय हो गए। ठीक है, तो ये चुनौतियां हैं। और हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर ली कि क्या लोकतंत्र भारत में जो चुनाव है वह लोकतांत्रिक क्यों है, क्योंकि 3 चीज़ें अवेलेबल हैं जो यह प्रूफ करती हैं। और हमने चुनौतियों की बात कर ली, और अगर इन्हीं चुनौतियों को हम चेंज कर ले तो ये दूसरी तरफ आ जाएंगे यानी सुधार में आ जाएंगे। क्लियर, तो ये थी बच्चे चुनौतियां। अब आइए चैप्टर नंबर 4, संस्थाओं का कामकाज। क्लियर, सो हमारा एक चैप्टर जो है वह हमने कवर कर लिया 30-40 मिनट में।
चलिए आगे देखते हैं। तो देखो चैप्टर फोर में हम देखेंगे चुनावी राजनीति तक बच्चे हमने बात कर ली है, ठीक है। अब आगे हमें इसमें देखना है कि संस्थाओं का जो कामकाज है वह कैसे चलता है लोकतंत्र में, ठीक है। एक बार आइए परिचय पढ़ते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को कुछ कायदे कानूनों को मानना होता है, उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर रहकर काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में जिन लोगों को लोगों ने चुन लिया है, जिन व्यक्तियों को यानी हमने जिन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव मान लिया है, उनके पास जो वह एकदम फुल पावर में आ गए, वह सर्वोच्च सत्ता होगा, ऐसे नहीं होता। उन्हें भी संस्थाओं के भीतर रहकर ही जो काम है वह करना होता है। यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। अब देश में किस तरह के महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है, हम यह भी देखेंगे कि फैसलों में अगर विवाद हो रहा है तो उसे कौन निपटाएगा, कौन सुलझाएगा, यानी टोटली मुख्य भूमिका निभाने वाले जो तीनों संस्थाएं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, हम इस पर बात करने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है, क्लियर। अब देखिए सबसे फर्स्ट मैं आपको ये बता देती हूँ कि आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, एक फ्लो चार्ट हो जाए, ठीक है, जल्दी से। हाँ, लक्ष्मीकांत की सीरीज बिल्कुल आएगी शिवम, लेकिन जब आप सभी बच्चे जो बेसिक है वह बहुत अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद ही हम लक्ष्मीकांत की जो सीरीज है वह लेकर आएंगे। ठीक है, आप सभी फालतू के मैसेज ना करें, मेरा भी थोड़ा सा जो अगर मैं आपके कमेंट देखना चाहूंगी, किसी बच्चे ने कोई जेन्युइन कमेंट तो नहीं किया, तो आप सभी के जो फालतू कमेंट्स बच्चे उसमें दिख नहीं पाता है ना, मत करो ये। संस्थाओं का कामकाज, जल्दी से नोट्स बनाइए, छोड़ दीजिए कमेंट करना, पेन पेपर ले लो, नोट्स बना लो, ठीक है। ऑनलाइन ही अगर आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो मत करो, समय वेस्ट करने वालों का बिल्कुल भी सिविल सर्विसेज कभी क्रैक नहीं होगा, ध्यान रखना। टाइम वेस्ट कर रहे हो कभी भी, उसका सिलेबस ही इतना है। अगर आप सोचो एक क्लास के लिए 2 घंटे का टाइम दे रहे हो और उसमें भी आपने 1 घंटा वेस्ट किया, आधे घंटा वेस्ट किया, आपने चीजों को ठीक से नहीं समझा और आपने उसे समझ के उस पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बस फालतू की बकवास किए जा रहे हैं, तो बच्चे इससे अच्छे तो आप क्लास छोड़ ही दो, जरूरत नहीं है। अपना टाइम वेस्ट करो ना, किसी दूसरे बच्चे का टाइम वेस्ट करो ना, उसके मैसेज खाओ कि कम से कम जो बच्चा जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहता है वह पूछ सके, ठीक है। तो जिन्हें क्लास नहीं देखना है, केवल मैसेज के लिए देखते हो, बिल्कुल क्लास मत देखो, जरूरत ही नहीं है यहाँ पर इस तरह की भीड़ की। चलो संस्थाओं का कामकाज की हम बात करते हैं, तो इसमें हमें तीन बातों को देखना है। सबसे फर्स्ट तो है कि प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं, प्रमुख, सभी बच्चे नोट्स बनाएं, नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। फर्स्ट क्लियर, अब सेकंड देखते हैं। हम देखेंगे कि हमें संसद क्यों चाहिए, सेकंड आपको इस चैप्टर में समझना है संसद, ठीक है। थर्ड हमें इसमें देखना है राजनीतिक कार्यपालिका, और फोर्थ हमें देखना है न्यायपालिका। इन चार मुख्य बातों पर ये पूरा चैप्टर जो है वह बेस्ड है, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसके अंतर्गत कौन से सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये तो हो गए हमारे मेन टॉपिक, अब सब टॉपिक्स पर आ जाओ। तो जब हम प्रमुख नीतिगत फैसलों की बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसे कौन लेगा, तो हम देखेंगे कि इसी के लिए चाहे हम सरकारी आदेश की बात कर ले या फिर हम संस्थाओं की बात कर ले, कि इसी फैसलों के लिए हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। तीन पार्ट में हम इसे पढ़ेंगे, एक जो मेन पैराग्राफ में मैं लिखवा देती हूं, एक सरकारी आदेश, दूसरा है कुछ निर्णय करने वाले भी होते हैं, और तीसरा है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता।
राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता, क्लियर? तो इन तीन बातों को आपको पढ़ना है। अब आइए नेक्स्ट हम देखेंगे संसद। तो संसद में फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि आखिर हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। तीन पार्ट में हमें इसे पढ़ना है संसद को, ठीक है? तीन पार्ट में सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि संसद के दो सदन, संसद के कितने सदन होते हैं, दो सदन, और साथ ही हम इसमें एक शक्तियों का जो एक झुकाव है उसकी भी बात कर लेंगे, कौन शक्तिशाली है। सो लोकसभा वर्सेस राज्यसभा की भी हम बात करेंगे, ठीक है? तीसरा जब हम देखेंगे राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है, तीसरा हम देखेंगे फ्रेंड्स राजनीतिक कार्यपालिका, और इसमें हम देखेंगे राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका कौन कौन होगी। इसमें हम बात करेंगे राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और तीसरा हम इसमें देखेंगे प्रधानमंत्री के अधिकार। ठीक है, न्यायपालिका के एक ही पैराग्राफ है, इसमें हम स्वतंत्र रूप से ऐसे ही समझ लेंगे, उसमें बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। सो प्रमुख नीतिगत फैसले के लिए, ठीक है, हम देखेंगे किस तरह से सरकार जो है आदेश दे सकती है, साथ ही इसके लिए राजनीतिक संस्थाओं का होना बहुत जरूरी होता है, और राजनीतिक संस्थाओं में ही हम बात करते हैं दो सदन की, लोकसभा और राज्यसभा की। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा की। तीन बातों को हमें इसमें पढ़ना होता है, संसद की आवश्यकता क्यों है, संसद के दो सदन कौन कौन से, और लोकसभा वर्सेज राज्यसभा। फिर तीसरा हमें देखना है कि एक राजनीतिक कार्यपालिका भी होती है संसद के अलावा, और राजनीतिक कार्यपालिका में राजनीतिक और स्थायी, ठीक है, राजनीतिक कौन होंगे जो मंत्री चुने जाते हैं, और स्थायी कार्यपालिका कौन होंगे ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, जो आप बनना चाहते हैं सिविल सर्विसेज से जो बच्चे चुने जाते हैं उन्हें क्या, उन्हें ही तो हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। ठीक है, काव्या क्या क्वेश्चन है आपका, आप पूछ सकते हैं, पूछ सकती हैं। चलिए, ठीक है, तीसरा हम देखेंगे फ्रेंड्स प्रधानमंत्री वर्सेस मंत्रिपरिषद एंड इसके इनके अधिकार। ठीक है, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये है हमारा पूरा चैप्टर फोर, ये है आपका कौन सा, पूरी तरह से चैप्टर फोर है। चलिए लिख भी देती हूँ, एक मिनट रुको। अब ले लो इसका एक स्क्रीनशॉट, मुझे हट जाने दो। चैप्टर फोर, ठीक है, संस्थाओं का कामकाज, इन मुद्दों पर हम अगले एक और एक से डेढ़ घंटे बात करने वाले हैं, तो आप सभी नोट्स बनाते जाएं, बीच बीच में हर एक टॉपिक के बाद मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं टॉपिक से रिलेटेड, उन पर भी हम बात करते जाएंगे। देखो, जब से सबसे फर्स्ट जब हम देखेंगे कि एक सरकारी जो आदेश है वह जरूरी होता है, ठीक है,
हो गया। हम इसमें देखेंगे एक सबसे फर्स्ट क्या है, एक सरकारी आदेश। प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं और इसमें सबसे फर्स्ट हम एक सरकारी आदेश की बात करेंगे। और देखो हम इसमें देखेंगे सबसे फर्स्ट कि 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया, ठीक है, जिसे कार्यालय जो ज्ञापन है वह कहा गया। आदेश कैसा था इसे समझो, ठीक है। इस आदेश में प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई और इसमें यह कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% जो रिक्तियां हैं सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होगी। आपको इसमें एक मुद्दा समझने की जो कोशिश है, समझाने की कोशिश जो है फ्रेंड्स, वह इसमें की गई है कि एक सरकारी ज्ञापन के माध्यम से आपको यह सूचित किया जाता है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए अब क्या होगा, सरकारी पदों और सेवाओं में 27% ओबीसी आरक्षण, अदर बैकवर्ड क्लास 27% ही तो है। तो ये उसी मुद्दे की बात की जा रही है, कितने पीछे जाके, 13 अगस्त 1990 के दिन, ठीक है। अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती थी उन्हीं का एक नाम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। उन्हीं का नाम क्या कर दिया, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। और इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ अब तक केवल अनुसूचित जाति और जनजाति, इससे पहले केवल एससी एसटी आरक्षण ही था, बट अब एक और स्लैश जोड़ लो ओबीसी और ये 27% का आरक्षण, ठीक है। अब सामाजिक और शैक्षणिक, ये भी याद रखना है कि किस दृष्टि से आरक्षण, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से आरक्षण इसमें दिया गया और एक तीसरा कोटा तैयार कर गया, ठीक है, किया गया। चलिए अब मैं आगे आपको दूसरे पैराग्राफ पर जाने से पहले एक क्वेश्चन पूछती हूं कि 1979 में दूसरा पिछड़ा जाति आयोग गठित किया गया, ठीक है, 1979 में एक दूसरा पिछड़ा जो जाति आयोग था वह गठित किया गया। आपको बताना है इस संबंध में कौन से कथन सही है। इसकी अध्यक्षता वीपी मंजल ने की और इसमें भारत के सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने का कार्य दिया। पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण जो है 27% आरक्षण देना था। बताइए जल्दी से, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट जो है सबसे फास्ट आंसर देता है, जल्दी से दे दिए आंसर दीजिए और ऐसे लिखिएगा वन के आगे ए या बी या सी या डी, जो भी आपका आंसर है जल्दी से। ओके, सो मोस्ट ऑफ द कितने होशियार हैं आप सभी, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आइए, तो 100% स्टूडेंट्स ने आंसर को ऑप्शन नंबर डी दिया है और डी बहुत बड़ा गलत है, आप सभी का आंसर गलत है, ठीक है। लास्ट मैंने आप सभी को बताया था, एक बार फिर से आपको ना पिछली एक स्लाइड पे लेकर जाती हूं, क्या लिखा है, संविधान में जो आरक्षण की बात की गई है ना उसमें आर्थिक आरक्षण अभी तक नहीं था। ईवीएस वाला सेक्शन जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो 10% है, जनरल वाला वो भी तो जुड़ा है, 10% वो भी तो आरक्षण है रोजगार और शिक्षा में। लेकिन जब मैं मंडल आयोग की बात कर रही हूँ, जब मैं ओबीसी इसकी बात कर रही हूँ बच्चे, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि, संविधान में संशोधन हुआ वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जब हम आरक्षण की बात करेंगे आगे वो भी आपका चैप्टर आएगा, उसमें एक जो भी आरक्षण से संबंधित बच्चे पूछ रहे ना कि क्या आवश्यकता है क्या नहीं है उसकी हम बात करेंगे। इक्विटी वाला जो स्टूल मैंने रखे थे वो कितने बच्चों को याद है, अगर आपने उस चैप्टर को भी आप याद कर लोगे ना कि अगर हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या फिर हम किसी भी तरह का एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन देते हैं तो उसके पीछे कारण होता है, ठीक है, और वो क्या कारण था उस पर भी हम बात करेंगे। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, आप सभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं ध्यान से, बिल्कुल भी ध्यान से नहीं पढ़ते, क्या लिखा है, कभी भी संविधान में, अगर आपके सामने आज ये भी लिखा आ जाए ना कि संविधान में आर्थिक आरक्षण की बात की गई, आर्थिक रूप से आरक्षण की बात नहीं की गई, जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जोड़ा गया, आर्थिक रूप से जो वीकर थे जनरल कैटेगरी के, है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनका जो 10% का आरक्षण जोड़ा गया, तब संविधान में होता है एक अमेंडमेंट
और इसे अमेंड करके फिर उसके बाद जो आर्थिक आधार है वह जोड़ा गया, तो बुनियादी रूप से यह शामिल नहीं था। केवल संविधान दो तरह से आरक्षण देता था, या तो ऐसे लोग जो समाज में काफी पिछड़े हैं, कई बार है ना, कई पीढ़ियों से, कई बार नहीं कई पीढ़ियों से बाकी वर्णों ने उनका शोषण किया, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, तो एक ऐतिहासिक अन्याय जो है वह आने वाली पीढ़ी के साथ ना हो, इसके लिए आपने सामाजिक आधार चुना। अब देखो, जो कि सामाजिक रूप से पिछड़ा था इंसान, तो शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर पाया, और वही शैक्षिक आरक्षण जो है फ्रेंड्स ये भी शामिल है, तो यहां पर बात की जाती है सोशियो एंड साथ में एजुकेशन की। सोशियो इकोनॉमिक नहीं है, ठीक है, सोशियो की और साथ ही साथ शिक्षा की, एजुकेशन की बात की जाती है, आर्थिक की बात नहीं की जाती है। तो जैसे ही दूसरा गलत हो जाता है, फर्स्ट सही है कि वीपी मंजल ने की थी, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है, ये आधार भी आपसे पूछ चुकी है, आगे भी पूछने की संभावना है, ठीक है। और पिछड़े वर्गों के लिए 27% जो आरक्षण है वह देना था, ये बात भी सही है। वर्गों की पहचान मापदंड तय करना था, ये भी सही है, लेकिन आर्थिक आरक्षण शामिल नहीं था। एक शब्द पे आपने ध्यान नहीं दिया और गलत हो गया, ठीक है। तो बच्चे आंसर क्या होगा इसमें, एक और तीन का है, ऑप्शन नंबर ए में। सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं था भाई साहब जिसने ये कहा हो कि चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मैं बाद में पूछूंगी, ठीक है, पहले थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। तो देखो, दूसरा है निर्णय करने वाले, जैसे जब वह ज्ञापन आता है, यानी बीपी मंडल वाला जो मैंने पहले ही आप सभी को बताया कि इस ज्ञापन की बात हो रही है, ये ज्ञापन की बात हो रही है जो 13 अगस्त 1990 को आदेश आता है, और एक इसके लिए था 27% जो ओबीसी आरक्षण है इससे संबंधित है, ठीक है। आगे हमने देखा निर्णय करने वाले, तो इस तरह के जो आरक्षण है, ठीक है, इस तरह के आरक्षण के या फिर जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह कैसे लिए जाते हैं, इसमें देखो कि देखो सरसरी नजर एक बार हम प्रमुख पर डालते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होगा, ठीक है, जो राष्ट्रपति है वह राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होगा। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होगा, और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, और इनसे बनने वाला जो कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल है, वही राजकाज के निर्णय लेगा। निर्णयों की बात हो रही ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और हमने मंत्रिमंडल तक की बात कर ली। अब संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होंगे, संसद में राष्ट्रपति प्लस दो सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने कुछ बातों पर विचार कर लिया। अब आगे देखो, 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अध्यक्षता की थी वीपी मंडल ने, अध्यक्षता किसने की थी, वीपी मंडल ने की थी, और इसी कारण इसे आमतौर पर क्या कहा जाता है, मंडल आयोग। प्रश्न पूछा जाता है कि मंडल आयोग की सिफारिशें किस विषय से जुड़ी थी, चुनावी सुधार से जुड़ी हुई थी, पिछड़े वर्ग के आरक्षण से जुड़ी हुई थी, अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण से जुड़ी हुई थी, या फिर न्यायपालिका से जुड़ी हुई थी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लास्ट यूपीएससी ने हिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछ लिया था, बटलर समिति किससे संबंधित थी, बटलर समिति की जो सिफारिश थे, सिफारिशें किस क्षेत्र से संबंधित थी, बताइए जरा। चलिए अब देखो, सो पिछड़ापन दूर करने का जो उपाय है, इस संबंध में 1980 में अपनी सिफारिशें दी, लेकिन और 27% आरक्षण की बात की, लेकिन इस पर जो है कई पार्टियां, कई विवाद होते रहे। जब कई विवाद होते रहे, ठीक है, कैबिनेट के द्वारा इसे एक औपचारिक निर्णय दिया गया 6 अगस्त 1990 को, सरकार ने इसे स्वीकार किया, लोगों ने इस पर एतराज किया, और उसके बाद जब बहस चलती रही, बहस तीखी होती है कि क्यों हम और असमानता के लिए क्या जरूरी है आरक्षण, सब आरक्षण के पक्ष में नहीं होते, लेकिन मोस्टली लोग आरक्षण के पक्ष में होते, जिन्हें यह समझ में आता है कि समाज में कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें सीरियसली हर एक क्षेत्र में प्रगति की आवश्यकता है, और सरकार उनके लिए जरूर आगे आए। वही तो एक वेलफेयर स्टेट होगा कि आप उस निम्न वर्ग के लिए, आप सभी भी अगर ब्यूरोक्रेट्स बनते हो, और आज आरक्षण की अगर आप वो हम ये कहें कि एक तरह से अगर आप आरक्षण को सही नहीं मानते, तो जब आप काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। उसके पीछे कारण है कि आपको उस सेक्शन की शायद प्रॉब्लम ही समझ में ना आए, है ना। सो देखो, काफी लोगों का मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा। देखो, सरकारी नौकरियों में आप मान लीजिए केवल एक ही वर्ग है, सरकारी नौकरियों में केवल एक ही वर्ग है जो उच्च वर्ग है और जो अमीर वर्ग है,
तो क्या केवल इन्हीं का अधिकार, ऐसे तो अमीर लोगों का निम्न वर्ग पर अधिकार हो जाएगा, इनका तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो सरकार ने ऐसा वर्ग जो शिक्षा से संपन्न नहीं है, जो संसाधन से संपन्न नहीं है, उस वर्ग को भी ऊपर उठाया, रिजर्वेशन दिया, ताकि ये वर्ग भी आ सके, किसमें शासन करने का इसे भी मौका मिल सके। यही तो लोकतंत्र है ना, वरना फिर अमीरों का तंत्र नहीं हो जाएगा। तो अब देखो, दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं है उनके अवसर छिन जाएंगे, और उनकी अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेगी, जातिवाद बढ़ेगा, उनकी एकता पर असर होगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। अब देखो, अगर इस तरह के विवाद उठेंगे तो इनका निर्णय कौन करेगा? हमने एक सरकार, हम शुरुआत में सिर्फ ये जान रहे हैं कि अगर हम एक लोकतंत्र हैं तो उसमें संस्थाओं के कामकाज में निर्णय किस तरह से लिए जाते हैं, और अगर एक निर्णय हो गया, मंडल आयोग की बात हो गई, वीपी मंडल की हमने बात कर ली, तो इसमें विवाद जब हो जाता है 27% ओबीएस आरक्षण को लेके, ओबीसी आरक्षण को लेके, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो बच्चे इसमें विवादों का निपटारा फिर हम कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी हम फॉर्म लॉज में कहां गए? अगर हम अभी कृषि कानूनों की बात कर ले तो इस पर अभी जो स्टे आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने, लोगों का विश्वास भी है न्याय व्यवस्था में हमारे देश की, इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों ने, संस्थाओं ने अदालत में कई मुकदमे दायर किए, ठीक है, और फिर अदालत से यह कहा कि इसे अवैध घोषित करके लागू होने से रोक दिया जाए। लेकिन सभी जितने भी मुकदमे अदालत के पास आए उनकी सुनवाई एक में हो गई, और वह एक मुकदमा किससे संबंधित था? उस एक मुकदमे का नाम था इंदिरा साहनी अन्य बनाम भारत सरकार मामला, ठीक है। कौन सा मामला था बच्चे? इंदिरा साहनी बनाम भारत अन्य बनाम भारत सरकार मामला पूछा जाता है, पूछा जा चुका यूपीएससी में कि ये किससे संबंधित था, ये रिजर्वेशन से संबंधित था, ठीक है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ऐसा करते हैं कि आप सभी ने जो कहा है वो सही नहीं है कि इसे अवैध घोषित कर दे, तो सरकार ने आदेश दिया कि ये अवैध तो नहीं है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये जो फैसला है वो अवैध नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कुछ संशोधन आप कर दीजिए, और संशोधन ये था कि पिछड़े वर्ग के जो अच्छी स्थिति में थे उन्हें लाभ ना दें। पिछड़े वर्ग में भी आपने क्रीमी लेयर का मुद्दा सुना कि नहीं सुना? तो जो क्रीमी लेयर है यानी जिसकी कंडीशन अच्छी है, आप उसे ना दें रिजर्वेशन। तो ये पूरा एक मामला हो गया कि ये संस्थाओं का आपने सारा जो कामकाज है उसे देख लिया। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? तो जो भी फ्रेंड्स पीडीएफ और बाकी सारी चीजें पाना चाहते हैं, वह सभी एनसीईआरटी विथ मंजू मैम जो ग्रुप है बच्चे टेलीग्राम चैनल, उससे जुड़ जाइए। सभी बच्चे लाइक एंड शेयर करते रहिए ताकि बाकी भी जो आपके फ्रेंड्स हैं वह आ जाएं, ठीक है। क्लियर है? निर्णय करने वाले और सुप्रीम कोर्ट का जो वाद था वह हमने देख लिया। अब आप सभी को एक फ्लोचार्ट के रूप में समझा देती हूँ, इसे जल्दी से फ्लोचार्ट बना देती हूँ, जल्दी से आप सभी बच्चे भी साथ साथ बनाते जाएंगे, ठीक है। हमने बात की एक सरकारी निर्णय की फर्स्ट में, और इस सरकारी निर्णय में हमने अदर बैकवर्ड क्लासेस का ओबीसी का 27% आरक्षण की बात की, ठीक है। सेकंड हमने दूसरा जो पॉइंट देखा वह किससे संबंधित था कि निर्णय कौन करेगा, निर्णय करने वाले कौन होंगे, ठीक है। और इसमें फ्रेंड्स जो मेन पॉइंट थे वह सारे लिख देती हूं। क्या आप सभी को पता होगा कि राष्ट्राध्यक्ष हमारे होते हैं राष्ट्रपति, जो कि संवैधानिक प्रमुख होंगे। राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, कोई भी विधेयक इनकी ही कलम से जब गुजरता है उसके बाद वह कानून बन जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति होंगे और यह देश के औपचारिक प्रधान होते हैं। देश के औपचारिक प्रमुख, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश के प्रथम नागरिक। अगर जनगणना होगी ना तो पहला व्यक्ति जो गिना जाएगा
इन्हें ही गिना जाएगा और इसके बाद फिर इनकी वाइफ। चलिए, सो निर्णय करने वाले में राष्ट्राध्यक्ष की हमने बात कर ली, जो सबसे बड़ा औपचारिक रूप से अधिकारी होगा। और भाई दूसरे स्तर पर हम देखते हैं कि एक सरकार प्रमुख भी होगा, एक सरकार प्रमुख भी होगा जिसे हम पीएम के नाम से जानेंगे, ठीक है, जिसे हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं और ये हमारी कार्यकारी का वास्तविक प्रमुख होता है। क्लियर? अब देखो, पीएम की सिफारिश होगी, अब आगे जो कारवा है वह ऐसे बढ़ेगा कि जो पीएम साहब हैं ये करेंगे सिफारिशें किस चीज के लिए, इसे मंत्री बना दो, ठीक है, यानी नाम देंगे, मंत्री बनाने की सिफारिशें करेंगे और इन्हें नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। अब ऐसा नहीं कि पीएम किसी भी व्यक्ति को बना देंगे, अगर पीएम के द्वारा सिफारिश की जाएगी मंत्री बनाने की तो इसके पीछे कुछ शर्तें काम करेंगी, जैसे कि वह संसद का सदस्य हो, जिसे आप मंत्री बनाना चाहते हैं वह संसद का सदस्य हो, और अगर वह संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है, अगर वह संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने में बन जाए। खैर, इतना डीपली हम आगे पढ़ लेंगे, छोड़ दो इसे, यार इसे यहीं छोड़ दो, अब आगे देखो। नेक्स्ट है कि हमने इसमें, इसके बाद हमने बात की 1979 के बीपी मंडल की, और इस बीपी मंडल के द्वारा कहा गया था, सिफारिशें दी गई थी कि जो सामाजिक और शैक्षणिक, ध्यान रखना आर्थिक नहीं लिख रही हूं क्योंकि संविधान के मूल में आर्थिक रूप से आरक्षण है ही नहीं, सामाजिक और शैक्षणिक ये क्या है, दोनों हमारे आधार है, ठीक है, आधार है, किसके आधार है? आरक्षण के। बीपी मंडल कमेटी गठित हुई किसके आरक्षण के लिए? अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। 1989 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, ये 79 की बात है, 89 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, जनता दल ने घोषणा पत्र में कहा कि ठीक है हम आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे और नई सरकार बनती है 6 अगस्त 1990 में और इसे लागू कर देती है, ठीक है, लागू कर देती है। बट विवाद जब होता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, ठीक है, लागू करने के बाद हुआ विवाद और विवाद के बाद जो मामला है वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, याद रहेगा, इतनी सारी चीजें याद रहेंगी आप सभी को, रखना पड़ेगा, है ना, नहीं भी रहेंगी मैटर नहीं करता, रखना पड़ेगा। लेकिन जब इस मुद्दे पर विवाद होता है तो मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने सभी की सुनवाई एक लिफाफे में कर दी और उसका नाम था इंदिरा साहनी। वाद का नाम पूरा जाना करो, किससे संबंधित है, क्या प्रोविजन है, क्या फैसले दिए गए, पूछ लिए जाते गोलकनाथ, केशवानंद, शंकरी प्रसाद, यूपीएससी खूब पूछता है, अन्य बनाम भारत सरकार, ठीक है बच्चे। तो ये क्या था, ये वाद था और इस वाद में सुनवाई की कि जो आरक्षण है वह अवैध नहीं है। क्या फैसला दिया? आरक्षण अवैध नहीं है, आरक्षण अवैध नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि कहा कि जो अच्छी स्थिति में है उन्हें आरक्षण ना दें, संशोधन लागू कर दें, अच्छी स्थिति तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये सारी बातें मैंने आपके साथ लास्ट, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि संसद की आवश्यकता क्यों है। और संसद की आवश्यकता के पहले हमें बात करनी है कि राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है, इस पर हम बात करते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, चलो आगे चलते हैं। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता,
हमने एक उदाहरण देखा कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, ठीक है। अब देखो, वह कर इकट्ठा करती है, टैक्स कलेक्शन की बात यहाँ पर की जा रही है कि टैक्स कलेक्ट करती है और उसके बाद जो भी विकास कार्यक्रम है इन पर खर्च करती, कल्याणकारी योजनाएं लागू कराती है, ठीक है। क्या सही है क्या गलत, अगर किसी भी तरह का विवाद उठता है तो ये सारी चीजें फिर कोर्ट में जाके ही सॉल्व हो जाती है। लिहाजा आधुनिक लोकतंत्र देशों में इन कामों को देखने की विभिन्न व्यवस्थाएं की गई और इस तरह की व्यवस्थाओं को ही हम संस्थाएं कहते हैं। जब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक संस्थाओं की, तो जो भी कल्याण प्रशासन से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं उन सभी के लिए कुछ संस्थाएं हैं और उन्हें ही लोकतांत्रिक संस्थाएं कहा जाता है, ठीक है। देखो किस तरह की संस्थाएं, जैसे प्रधानमंत्री और कैबिनेट, प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं जो महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेंगे। दूसरी चीज, मंत्रियों के द्वारा किए गए फैसलों को लागू कराने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह भी होंगे, ठीक है। कैबिनेट होगी, मोदी जी होंगे, उनकी कैबिनेट होगी, आप सभी को पता होगा हर एक मंत्री का एक सचिव भी होता है, सेक्रेटरी भी होता है, और वह जो सचिव होता है या लागू कराने का जो कार्य करता है वह ब्यूरोक्रेट करता है, नौकरशाह करता है, नौकरशाही। इस बार यूपीएससी ने पूछा था कि नौकरशाही का मतलब क्या है, पूछा था नहीं पूछा था, कितने बच्चों को याद है, जब मैंने डे फर्स्ट आपको बताया था कि जो पॉलिटी का इंट्रोडक्शन क्लास है, क्लास नंबर 27, जिस बच्चे ने ना देखी हो देख लेना, पॉलिटी की पूरी समझ आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने लास्ट यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पीटी और मेंस दोनों के क्वेश्चन आपसे शेयर किए, 18 में से बच्चे ज्यादा नहीं, केवल 16 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, आप खुद इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो नौकरशाही पूछा था, यानी नीति को लागू कराने वाला तंत्र, नीति को लागू कराने वाला, लागू कराने वाला तंत्र, यह है नौकरशाही का अर्थ। यूपीएससी पीटी 2020 क्वेश्चन, कोई इसमें बहुत दिमाग है, 10 लक्ष्य भी कहां थे, हमें जेडी बासु को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ना ही आपको संसद के लिए सुभाष कश्यप पढ़ना था, आपको सिंपल से एनसीईआरटी पढ़ लेना था। और इसमें जहां ये लाइन लिखी है ना कि मंत्रियों के द्वारा लिए गए फैसले को लागू कराने के उपाय के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं, कितने बच्चों को यही लाइन पता है, यही लाइन तो यूपीएससी उठा के पूछता है सीधा, तो कहीं दूर जाना है क्या आपको यूपीएससी पीटी क्रैक करने, बस जरूरत है कि कंसल्टेशन से आप एनसीईआरटी ही बच्चे पढ़ लो ना। कई मेरे जानने वाले में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने केवल केवल पीटी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के पास किया, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के हो जाता है। कुछ बेसिक बुक्स है, मान लीजिए आपने एनवायरमेंट के पढ़ ली क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं मिलता, ठीक है, या फिर आपने किसी और के लिए पढ़ लिया, फिर करंट अफेयर के लिए नो डाउट आप मैगजीन्स वगैरह फॉलो करते, इतने में आपका कट ऑफ निकल आता है, ठीक है। तो कई ऐसे बच्चे केवल एनसीईआरटी से ही आपका पीटी हो जाता है अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जाने क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, किस लाइन से क्वेश्चन आ जाए, आप उसे ही स्किप कर बैठो। यही कारण है कि मैं आपको एक एक वर्ड पढ़ाती हूँ, मैं चाहूँ तो केवल आपको सिर्फ फ्लो चार्ट से ही या क्वेश्चन आंसर करा के ही निकल जाओ, लेकिन आपको इस तरह की जो लाइन से बच्चे, ये फिर आपको खुद पढ़नी पड़ेंगी और जो कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि आप सभी पीडीएफ पढ़ते होंगे, मेरा काम है देना इसलिए मैं प्रोवाइड कराती हूँ, ठीक है। पीडीएफ पढ़ते होते तो 100% बच्चे गलत आंसर नहीं देते, एक बच्चा तो ऐसा होता जो सही आंसर देता। अब देखो सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था जहां नागरिक और सरकार के बीच में जो विवाद है वह अंततः सुलझाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई राजनीतिक संस्थाएं। चलो अब हम आते हैं संसद की आवश्यकता पे कि आखिर संसद क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो पहले फ्लोचार्ट बना देती हूं, उसके बाद रीडिंग कराती हूं, तो आपको ज्यादा समझ में आता है। देखिए मेरा काम मैं अपनी ईमानदारी से कर रही हूं और आप सभी से भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपना जो काम है बच्चे वह ईमानदारी से करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्लास में सिंसियर रहें, कंटिन्यू बने रहें, ऑफलाइन क्लास ही सोचो, ठीक है। ये मत सोचो कि मोबाइल में क्लास है, मिल तो आपको वही रहा ना जो आप ऑनलाइन पढ़ते, सारी चीज़ें तो वही अवेलेबल है आपको। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहे, कोई भी एक स्टूडेंट जरा शेयर करो एनसीईआरटी का लिंक, अच्छा
अच्छा अनीस खान जी, आपकी बात मुझ तक पहले भी पहुंच गई थी कि यूपीएससी की जो लेटरल एंट्री है उस पर मैं एक क्लास ज़रूर लूँ, तो सैटरडे संडे जो कुछ स्पेशल सेशंस होते हैं उसमें मैं ज़रूर आपके आपकी इस बात को याद रखूँगी। अच्छा टॉपिक है आपका। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले आपको फ्लो चार्ट बनवा दूं, ठीक है? संसद पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये संसद का पार्ट, ध्यान रखिएगा। संसद इसे लोकतंत्र के मंदिर की संज्ञा दी जाती है, ठीक है? पार्लियामेंट, संसद। अब देखो इसे हम तीन पार्ट में पढ़ते हैं। फर्स्ट कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, आवश्यकता क्यों। दूसरा हमें इसमें देखना है कि संसद के दो सदन होते हैं, और तीसरा हमें इसमें बात करनी है लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। लोकसभा बनाम राज्यसभा, क्लियर? लोकसभा बनाम राज्यसभा, तीन बातों पे आपका ये जो पार्लियामेंट है फ्रेंड्स वह खत्म हो जाएगा। दो सदन या सदन, मैंने जगह की कमी के कारण ये लिख दिया है इस तरह से। आइए सो सबसे फर्स्ट देखो आवश्यकता क्यों है। तो जब हम संसद की बात करते हैं, संसद क्या है? आप जिन लोगों को चुनते हैं ना सांसद के रूप में वही जाके तो बैठते हैं। तो संसद मतलब जनता की ओर से एक सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने वाली संस्था। आपने कुछ लोगों को चुना और वह जाकर पार्लियामेंट में बैठ गए, तो एक तरह से आपके द्वारा जो निर्वाचित लोग हैं, और आपने क्यों चुना कि वह आपके ऊपर रूल कर सके, वह आपके लिए नीतियां बना सके, आपके पक्ष के लिए नीतियां बना सके। तो पहला पॉइंट क्या है कि जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने वाली संस्था को ही हम संसद कहते हैं, राजनीतिक अधिकार का प्रयोग, ठीक है? दूसरी बात है कि ये हमारी राष्ट्रीय सभा है, राष्ट्र की तो सभा है, सभी लोग मिलते जुलते हैं, सबसे बड़ी पंचायत है हमारी, राष्ट्रीय सभा है, ठीक है? और इसे ही हम निर्वाचित प्रतिनिधि बैठते हैं इसमें जो हमने चुने हैं, तो क्या कहेंगे कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक राष्ट्रीय सभा को ही हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं, क्लियर? पार्लियामेंट कहते हैं। अब देखो इसके जो कार्य है उसे समझो एक बार, क्या होंगे इसके वर्क या कार्य। लॉ मेकिंग करना फर्स्ट कार्य, चूंकि यह विधायिका है, ठीक है, कानून बनाना। कानून बनाना कार्य हो गया। सेकंड है कि पूरे देश पर सीधा नियंत्रण होता है पार्लियामेंट का, सीधा नियंत्रण होता है पूरे देश पर, बजट पर नियंत्रण होता है यानी वित्त पर नियंत्रण होता है, ठीक है? बजट पर यानी बच्चे वित्त पर नियंत्रण होगा, और राष्ट्रीय नीति पर भी यह चर्चा करती है। जो राष्ट्रीय नीतियां बनती है उसे कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। तो हमें इन सभी तमाम कार्यों के लिए क्या आवश्यकता नहीं है संसद की, कि अगर हम देश हित में कोई फैसला लेना चाहे तो फिर उसके लिए भी तो आपको एक ऐसी पंचायत चाहिए जो सभी का प्रतिनिधित्व करे। तो हमारे पास लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, वही सांसद हो गई। अब देखो अब नेक्स्ट है संसद सदन, ठीक है?
नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, संसद के सदनों की, और सबसे लास्ट में फिर हम आएंगे लोकसभा विधान राज्यसभा। जगह की कमी है ना, इसलिए समट समट के लिखना पड़ता है कि आपको एक ही पीपीटी पर सारे चीजें मिल जाएं। दो पीपीटी पे लिखोगे ना, समझ नहीं पाएंगे आधे बच्चे, लिंक ही नहीं कर पाओगे कि दूसरी पीपीटी भी इससे जुड़ी है। सोचो ये स्तर है आप सभी का, मोस्ट ऑफ द बच्चों का, ना तो मेन्स आंसर राइटिंग करनी है आप सभी को, ऐसे कैसे काम चलेगा। ख्याली पुलाव। चलिए, सो संसद के जब हम दो सदनों की बात करते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, बनाम बाद में पढ़ेंगे, यानी कौन से अधिकार हैं। पहला सदन और दूसरा सदन, किसी को भी पहला मान लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। तो सबसे फर्स्ट है कि पहला एक ऐसा सदन जो सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होगा, जिसमें ऐसा सदन जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए लोग होंगे, और इसे हम कहते हैं लोकसभा, और इसे ही हम कहते हैं लोकप्रिय सदन। इसे हम क्या कहेंगे, लोकसभा कहेंगे, ठीक है, लोकप्रिय सदन कहेंगे, यानी हाउस ऑफ पीपल। क्लियर। चलो सेकंड पे आ जाओ, अब दूसरा यानी राज्यसभा। पहले हम ये देखें इसमें कैसे लोग जाएंगे, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं जाएंगे, परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष, ठीक है, परोक्ष रूप से चुने हुए लोग जाएंगे, हम इसे कहेंगे राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्लियर। नेक्स्ट आओ, यानी विभिन्न राज्य क्षेत्र और संघीय इकाइयों के प्रतिनिधित्व, उनकी बैठकों, उनकी बाकी चीजों को मेंटेन करने के लिए राज्यसभा होगी, विशेष कार्य के लिए। फिर जब हम लोकसभा वर्सेस राज्यसभा की बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट करती हूं, आई थिंक दिख रहा होगा ना आपको, ज्यादा छोटा तो हुआ नहीं। इसे साथ ही साथ जो बच्चे लिखते जाएंगे ना, उन्हें चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। चलिए, तो तीसरी जब हम बात करेंगे लोकसभा वर्सेस राज्यसभा की, ठीक है, तो एक बार और लिख के अच्छे से लिख देती हूं, लोकसभा, और यहां पर हम लिख देंगे आगे राज्यसभा। इन दोनों के डिफरेंसेस इसके नीचे ही लिखकर आपको फ्रेंड्स समझा देती हूं, ठीक है। लोकसभा को हम कहते हैं लोअर हाउस, नाम पे मत जाना कि लोअर बिल्कुल भी नहीं है, और राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस, फिर से नाम पे मत जाना, उच्च सदन जरूर कहते हैं बट उच्च नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम कहेंगे कि अगर मान लीजिए किसी विवाद है, कोई विवाद है, एक कंडीशन देखो, विवाद है किस पर, किसी विधेयक पर, अब इसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच में विवाद है, लोकसभा राज्यसभा दोनों अलग अलग अपने संशोधनों की बात करते, चलो कृषि बिल का ही मुद्दा उठा लो, कि एक कहता है कि कृषि बिल में ये होना चाहिए, दूसरा कहता है ये नहीं होना चाहिए, तो उसमें फिर हमने क्या किया, एक संयुक्त अधिवेशन। बताइए किस आर्टिकल में संयुक्त अधिवेशन, कौन अध्यक्षता करेगा इसके। सो हम इसका एक हल ढूंढते हैं, संयुक्त अधिवेशन। तो ये जो संयुक्त अधिवेशन है ना, वह किसके अकॉर्डिंग चलेगा, ये चलेगा लोकसभा के अकॉर्डिंग, लोकसभा के नियम इस पर लागू होंगे, और लोकसभा को के जो चेयरमैन है उसे अथॉरिटी होगी, इसमें राज्यसभा की नहीं चलेगी, ठीक है। अब देखो एक अगला उदाहरण देखते हैं कि अगर आपको बजट या हम वित्त की बात करें, बजट या वित्त व्यवस्था की बात करें, जो बजट पारित होता है वो वार्षिक वित्तीय विवरण है ना, जो वार्षिक वित्तीय दस्तावेज होता है बच्चे, जो ये पारित होता है, तो इसमें जो मेन भूमिका है ना वह लोकसभा की होती है, किसकी होती, लोकसभा की होगी। अगर लोकसभा के द्वारा इसे भेजा गया राज्यसभा में, और राज्यसभा ने अगर 14 डेज में रिटर्न नहीं किया, तो फिर इसे एज इट इज पारित मान लिया जाता है, मतलब राज्यसभा को इसमें अधिकार नहीं है, क्लियर। और साथ ही साथ अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें, तो यह भी लोकसभा कंट्रोल करेगी,
मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कौन करेगा? लोकसभा। अब राज्यसभा के विशेष अधिकार भी कुछ है, उस पर हम आगे बात करेंगे, इस चैप्टर में नहीं करनी। तो फिलहाल इसका जो एक स्क्रीनशॉट है उसे जल्दी से सभी बच्चे ले लीजिए, कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देती हूँ। पार्लियामेंट, संसद, आवश्यकता क्यों है, संसद के सदन, ठीक है, एंड लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। नेक्स्ट, दो सदन याद रखना, ठीक है। साथ ही साथ जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने वाली संस्था को संसद कहा जाता है, जो कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा होगी। कानून बनाना, सीधा नियंत्रण, बजट वित्त पर नियंत्रण और साथ ही राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना, ये भी इसका कार्य होगा। क्लियर? ये सारी चीजें। फिर जब हम बात करते हैं दो सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा, और इसमें हम देखते हैं हाउस ऑफ द पीपल कहा जाएगा लोकसभा को, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट। लोअर एंड अपर हाउस की भी हमने बच्चे बात की, ठीक है, लोअर एंड अपर हाउसेस की भी हमने बात की। अगर किसी तरह से विवाद दोनों सदनों में हो जाए, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए, तो इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में दिया गया है, लोकसभा के नियमों के अनुसार संचालित होता है। बजट पर पूर्ण नियंत्रण लोकसभा का, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण लोकसभा का, राज्यसभा का नहीं होता। केवल 14 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है कि ठीक है भाई, इतने में देख सको तो देख लो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में पोस्ट कर दो। और स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में पोस्ट कर दो। मनु गुप्ता, भरतवंशी, सारी क्लासेस जो है वह प्लेलिस्ट बनी हुई है आरोहण में, मंजू मैम प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें फिर सारी जो चीजें हैं, सारी क्लासेस हैं, सब दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ मनु, आप जो एनसीईआरटी विद मंजू मैम, ये बच्चे ग्रुप लिंक का जो शेयर कर रहे हैं ना टेलीग्राम चैनल, तो उसमें सारी पीडीएफ भी अब तक की क्लासेस के अवेलेबल है, और साथ ही साथ पीडीएफ के साथ साथ सारी लिंक भी मौजूद हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दिया है, ज्वाइन अ टेलीग्राम लिंक जो यूपीएससी लाइव दिया हुआ है ना t.me, उसे भी बच्चे ज्वाइन कर लोगे, तब भी आपको मेरे डेली क्लास के नोटिफिकेशंस एंड जो लिंक है वह सारी चीज़ें उस पे मिल जाएंगी, एंड पीडीएफ आल्सो। और आपके जो क्वेश्चंस हैं वह आप मुझसे पूछ सकते हैं एनसीईआरटी विद मंजू मैम, आपने जो आंसर्स लिखे हैं आप वो मुझसे चेक करा सकते हैं उस पे। बस करो प्रदीप, कट पेस्ट करना, ठीक है। सो डिम्पल एंड अंकुर ने जो लिंक है वह शेयर की है, मनु आप ज्वाइन कर लीजिए इस लिंक को, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं, अभी भी काफ़ी बाकी है हमारी क्लास, जल्दी से कंप्लीट करना है। अभी राजनीतिक कार्यपालिका देखना है और हमें इसके बाद न्यायपालिका देखना है, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट है बच्चे, संसद के दो सदन कौन कौन से हैं हमने देख लिए, चलिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। लोकतंत्र में निर्वाचित और जनप्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा है संसद, जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग और किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद का होता है। याद रखना, कानून की बात की है, कानून में न्यायपालिका भी शामिल है। अब आंसर दीजिए, तो मैं पहले ही आप सभी को बता चुकी हूँ, जिसने भी गलती की है अक्षम्य अपराध है आप सभी का,
संसद के बारे में तीनों ही जो कथन है वह बिल्कुल सही है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फिर से बताइए। सत्य को चुनना है आपको, क्वेश्चन नंबर फोर में। दोनों सदनों के सदस्य आमतौर पर सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा को हाउस ऑफ पीपल एंड पीपल लिखा है, पीपल समझ लेना है ना, लोग यानी, और लोकसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। क्या होगा आंसर? अब देखती हूँ किस बच्चे ने सही आंसर दिया। ओके, सो काफी सारे जो स्टूडेंट्स होने लगता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कुछ डी भी, डी वाले भी हैं। जो डी वाले हैं उन्हें तो दोनों सदनों के सदस्य आमतौर पर सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अगर हम राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं तो इसका अलग मुद्दा है, और अगर हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं लोकसभा को, तो इसका अर्थ ये होता है कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो दोनों का जो निर्वाचन है सदस्यों का अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। सो फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, क्योंकि नाम एक्सचेंज लिखे हैं, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। तीसरा सही है कि देखो राष्ट्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आपको पता चली, कितने बच्चों को नहीं पता थी, भले आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, डजंट मैटर कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, फर्क पड़ता है कि आपने चीजों को कितने अच्छे तरीके से समझा है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर अगर इसकी योग्यता की हम बात करें तो आपको किस सदन के किस सदन के सदस्य की योग्यता रखनी पड़ती है, ये बताइए। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है, सो ऑप्शन नंबर बी, चूंकि मैंने सत्य पूछा, ठीक है। असत्य पूछती तो फिर एक और दो पे आप जाते। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा के संबंध में निम्न प्रश्नों पर, निम्न कथनों पर विचार। दो है, फर्स्ट है, सर्वोच्च अधिकार अपर हाउस के पास होंगे, जिसमें वित्त संबंधी अधिकार और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता को भी शामिल किया जाता है। लोकसभा को बजट के संबंध में कानून पारित करने का विशेष अधिकार होता है। राज्यसभा बजट संबंधी प्रावधानों पर 14 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकती। क्या आंसर होगा बताइए? केवल एक, केवल दो? चलिए मैं आंसर बताती हूं। सो देखो, सबसे फर्स्ट जो है, सर्वोच्च अधिकार अपर हाउस के पास है, गलत हो गया, लोकसभा के पास है, और ऊपर से इसमें मैंने अलग संयुक्त अधिवेशन आपको समझाया भी था, तो जिन बच्चों ने वित्त संबंधी और संयुक्त अधिवेशन पर ध्यान नहीं दिया, सो ध्यान दे के पढ़ा करो, ठीक है, ये गलत हो गया। सेकंड, अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसे बजट के संबंध में कानून पारित कराने का विशेष अधिकार होता है, और अगर लोकसभा जो वित्त है, वित्त विधेयक अगर भेजती है राज्यसभा के पास, अगर इसे रिटर्न नहीं किया, अगर 14 डेज इसके पास होते हैं, तो फिर इसके बाद ये स्वतः पारित मान लिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने दिनों की अवधि के बाद अगर कोई वित्त संबंधी विधेयक लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा है तो वह स्वतः पारित मान लिया जाएगा, अगर रिटर्न नहीं किया तो वह अवधि है 14 डेज की। सो सेकंड जो है वह सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फर्स्ट रॉन्ग है। अब देखिए, अब लोकसभा बनाम राज्यसभा, इसकी हमने बात कर ली,
अब हमें अगला जो मैटर समझना है वह राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका को समझो और इसके बाद न्यायपालिका है। आधे घंटे तक आपकी जो क्लास है बच्चे वह और चलेगी, पेशेंस रखेंगे सभी, ठीक है। ज्यादा पढ़ने की आदत डालो, एक तो खुद भी दो अंकों में पढ़ने की कोशिश किया करो। अगर कुछ काम नहीं है या कहीं जॉब नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 8 या 10 घंटे पढ़ो कम से कम, ठीक है। चलो, सो राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका कितने बच्चों को शुरू में याद है, केस के अंतर्गत मैंने कितने जो टॉपिक्स है वह डिवाइड किए थे? शुरुआत में जो मैं फ्लोचार्ट बनवाती हूँ उसमें मैं बता देती हूँ ना कि क्या क्या आगे पढ़ाऊंगी, इस टॉपिक में सब टॉपिक कौन कौन से लागू होंगे। राजनीतिक कार्यपालिका में हमें चार बातों को समझना है, चार पॉइंट में हमें इसे समझना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसमें होगा राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, क्लियर फर्स्ट। सेकंड हम इसमें देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तीसरा हमें इसमें देखना है महामहिम राष्ट्रपति, और चूंकि अब जो वर्ड है महामहिम वह हटा दिया गया है। चौथा है प्रधानमंत्री के अधिकार। ठीक है, इन चार मुद्दों से हम राजनीतिक कार्यपालिका को समझेंगे। सबसे फर्स्ट आ जाओ राजनीतिक कार्यपालिका मतलब सरकार की नीतियों को जो कार्य रूप दे दे, जो एक लागू कराने का जो कार्य कर दे, उसे ही हम राजनीतिक कार्यपालिका कहेंगे, ठीक है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इसे कार्यपालिका कहा जाता है। और मुख्यतः जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो इसे दो भागों में बांटा जाता है, एक तो राजनीतिक और दूसरा अस्थाई, ठीक है। अब देखो राजनीतिक में कौन होगा शामिल, जब हम राजनीतिक कार्यपालिका की बात करते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका की बात करते हैं मतलब जनता के द्वारा निर्वाचित, तो एक तो होगी निर्वाचित कार्यपालिका, और दूसरा जब हम स्थायी कार्यपालिका की बात करते हैं तो स्थायी में आएगी नियुक्त कार्यपालिका, ठीक है। एक तो क्या होगा, एक तो निर्वाचित होगा जो कि मंत्री मिनिस्टर होगा, नियुक्त होगा जो कि सचिव IAS होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो निर्वाचित मतलब जनता के द्वारा किसी खास अवधि के लिए। अब खास अवधि की बात करें 5 वर्ष की अवधि हो सकती है, नियुक्ति सरकार द्वारा परीक्षा के माध्यम से, ठीक है, और स्थायी नियुक्ति होगी, जब तक है तब तक है। कैसे नियुक्ति होगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, अधिकारी बना रहेगा, स्थायी नियुक्ति होगी। तो दो कार्यपालिका हो गई ना, एक तो निर्वाचित हो गई और दूसरी नियुक्त कार्यपालिका हो गई। अब लेकिन इसमें अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि पढ़ा लिखा तो होगा सचिव, हो सकता है कि मंत्री मिनिस्टर अंगूठा छाप हो, है ना, बिल्कुल हो सकता है कि मंत्री मिनिस्टर अंगूठा छाप हो। आजकल की जो कैबिनेट है कुछ को अगर आप छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, ना उनके बिहेव से मुझे बहुत समझ आता है। तो जनता के द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित जो प्रतिनिधि हो राजनीतिक, ठीक है, तो हो सकता है इनके पास ज्ञान ना हो, लेकिन फिर भी इनका महत्व ज्यादा क्यों है, जबकि एक सचिव जो पर्दे के पीछे कार्य करेगा, हर एक सचिव मंत्री के पास एक सचिव भी होता है जो इन्हें अच्छे एक विषय विशेषज्ञ होता है जो इन्हें सलाह देता है क्या करना है क्या नहीं करना है, पर लोकतंत्र में
चूंकि लोगों का महत्व है, लोग चुन रहे हैं मंत्रियों को, से इनका महत्व है। ठीक है, समझ रहे हो क्यों महत्व है इनका? भले कुछ ना आता हो लेकिन इनका महत्व है। राजनीतिक स्थायी कार्यपालिका दो भागों में बांटी, निर्वाचित नियुक्त, निर्वाचित जनता के द्वारा निर्वाचित, अंगूठा छाप होने के बाद भी महत्व है। क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा निर्वाचित हैं और ये लोकतंत्र है तो लोगों की इच्छा सर्वोपरि। सरकार के द्वारा नियुक्त स्थायी नियुक्ति, जैसे सचिव है, मान लीजिए ने विषय विशेषज्ञ, उस विषय विशेषज्ञ उनको चीजों का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, उसका उतना महत्व नहीं है। ज्यादा पावर तो आप सभी को पास है, किसके पास होगी, है ना? चलो, तो जब हम नियुक्त की बात करते हैं तो देखो, नियुक्त होगा लंबे समय के लिए नियुक्त होगा, एंड साथ ही साथ ये प्रशासनिक सेवक होगा, सिविल सर्वेंट होगा। ये प्रशासनिक सेवा से बच्चे जिसकी तैयारी आप सभी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज, प्रशासनिक सेवा, ठीक है, ब्यूरोक्रेट होगा ये। नेक्स्ट आ जाओ, बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबको भूल जाओ इस चैप्टर, इस वाले पे अब केवल ये बस समझ लो कि सबसे पहले तो देखो प्राइम मिनिस्टर आए, मोदी साहब, और एक क्वेश्चन पहले मैं पूछ लूं आपसे कि प्रधानमंत्री जो हैं इन्हें कैसे चुनाव होता है, इनका एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें से दो कथन यूपीएससी के लिए है, मैंने दो मेरे अपने हैं, एनसीईआरटी के हैं। प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, इस संबंध में आपके पास चार कथन है, आपको बताना है। प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। ओके, सो काफी सारे बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर सी है ना, आइए मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, ये बी नहीं होगा, ये सी होगा। तो सभी फ्रेंड्स सुनो, प्रधानमंत्री के लिए क्या कोई प्रत्यक्ष चुनाव होता है? नहीं होता, सो सही है। सेकंड देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री की क्या करते हैं बच्चे, नियुक्ति करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को भी उठाया और पीएम बना दिया। पीएम वही बनता है जो लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी को लीड करता है, जो उसका नेता होगा, और वही प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, लेकिन लिखा होता कि सामान्यतः 5 वर्ष का। ठीक है, सामान्यतः जो वर्ड है वह इसके एब्सोल्यूटपन को खत्म कर देता है और आपको कहेगा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। ये चारों ही बातें उतनी ही सही हैं। तो जब तक आप इतना, ये जो बेसिक बेसिक छोटी छोटी सी सरल चीजें हैं ना, ये गलत करते जाओगे तब तक पीटी तो भूल जाओ, स्पेशली यूपीएससी का पीटी भूल जाओ, क्योंकि यूपीएससी में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, पूछे भी गए हैं। ठीक है, सो आप सोचेंगे कि नहीं, राष्ट्रपति कैसे नियुक्त कर सकता है, लोगों का वह तो होगा, है ना, लोगों का बिल्कुल नहीं होगा। जब हम प्राइम मिनिस्टर की बच्चे बात करते हैं, चलिए, सो आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ज्यादा शॉर्ट तो नहीं हुआ। सबसे फर्स्ट चार बातों को याद रखो कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, जनता के द्वारा नहीं चुने जाएंगे, जनता के द्वारा उनका चुनाव नहीं होगा।
ठीक है, तो फिर कैसे होंगे? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होंगे। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होंगे तो क्या राष्ट्रपति किसी को भी नियुक्त कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। लोकसभा में सारे कंडीशंस मैंने आपको बता दी, आपको बस याद करनी है, लिख लेना है। राष्ट्रपति बहुमत दल का जो नेता होगा उसे पीएम चुनेंगे, और सामान्यतः अगर हम बात करें तो भले 5 वर्ष लेकिन कार्यकाल इनका निश्चित नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब आगे जो चीजें हैं वह कैसे बढ़ेंगी? प्रधानमंत्री ने की सिफारिश, क्लियर, और राष्ट्रपति ने की नियुक्ति, किसकी? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति मंत्रियों की। ठीक है, किसकी हो गई? मंत्रियों की। लेकिन क्या प्रधानमंत्री, फिर से वही बात कि क्या राष्ट्रपति किसी को भी मंत्री बना सकता? नहीं बना सकता। जो प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे उसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा, और मंत्री बनने के लिए होंगी कुछ शर्तें। मंत्री बनने के लिए क्या होगी बच्चे? कुछ शर्तें होंगी। ठीक है, जैसे कि जो सदन का सदस्य है, जो सदन का सदस्य है उसे ही मंत्री बनाया जाए, फर्स्ट कंडीशन। अगर ये फुलफिल नहीं हो रही तो दूसरी कंडीशन है कि अगर सदन का सदस्य नहीं है और मंत्री, ये भी यूपीएससी पूछ चुकी है ये लाइन, अगर सदन का, बच्चे सबसे अच्छी चीज है कि आप 10 साल के पेपर रट लो, अगर सदन का सदस्य नहीं है, आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चन कहाँ से कैसे क्यों आते हैं। सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 मंथ में, 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है। 6 माह के अंदर किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी, क्लियर है? तो ये इसकी शर्तें हैं, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब हम मंत्रिपरिषद की बात करें जल्दी से। आप सभी, प्रधानमंत्री की बात हो गई, अब मंत्रिपरिषद की बात करेंगे। ठीक है, दूसरे वाले पर जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। देखो, एक एक पॉइंट को अगर समझेगा जो क्लास में, ये फ्लो चार्ट बाद में केवल उसी के काम का है। मुझे लगता है कि कम काम का होगा उस बच्चे का जिसने क्लास नहीं की। चलिए, स्वागत देखते हैं मंत्रिपरिषद। ठीक है, आई थिंक आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, और जब ले लिया हो स्क्रीनशॉट तो पोस्ट भी कर देना ग्रुप में। ठीक है, अब इसी पे वो पहली वाली स्लाइड आपकी सुरक्षित है, चिंता मत कीजिएगा, आपको ये उसमें मिल जाएगी। यहाँ जस्ट मैंने रफ किया है ताकि सेकंड ये कॉपी हो उसकी, चिंता ना करें। अब इसी में मैं आपको बता देती हूँ आगे मंत्रिपरिषद की बात। ठीक है, ये भी यहाँ से हटा देती हूँ, पुरानी स्लाइड में वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारा मौजूद है। अब इसके आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, मंत्रिपरिषद, यहां पर फोकस करेंगे मंत्रिपरिषद में।
सो सबसे फर्स्ट याद रखो कि जब हम बात करें मंत्रिपरिषद की, यानी जहां पर सारे मंत्री हो, बस वही मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद मतलब सारे मंत्री हो, ठीक है। मंत्रिपरिषद मतलब जहां पर सारे मंत्री हो वही मंत्रिपरिषद है। यूपीएससी ने इसके विभाजन पर भी क्वेश्चन पूछा था कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन से जो मंत्री हैं वह होते हैं, तो तीन तरह के मंत्री होते हैं। एक जिन्हें हम कहते हैं कैबिनेट मंत्री, एक जिन्हें हम कहते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है। और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनके पास प्रमुख मंत्रालयों का प्रभार होता है, प्रमुख मंत्रालयों का प्रभार होगा, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हो गए। सेकंड आ जाओ, सेकंड इसमें होंगे स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। और ये ऐसे मंत्री होंगे जिनके पास छोटे मंत्रालयों का प्रभार होगा, ये ऐसे मंत्री होंगे जिनके पास छोटे मंत्रालय का प्रभार होगा। और तीसरे जो मंत्री हैं वह होंगे राज्य मंत्री, ठीक है। तीसरे जो मंत्री हैं वह होंगे राज्य मंत्री, और ये वे राज्य मंत्री होंगे जो विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होंगे, ठीक है। ये राज्य मंत्री हैं वो अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री से, मंत्रालयों से जुड़े होंगे, स्वतंत्र प्रभार नहीं होगा, जुड़े होंगे बस ये। तो ये इस तरह के तीन मंत्री जो है वह मंत्रिपरिषद में होते हैं, तीन प्रकार के, ठीक है। अब देखो, जब हम संसदीय मंत्रालय की बात करते हैं, जब हम संसदीय पद्धति की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद है उसके निर्णय प्रमुख होते हैं। अब जब मंत्रिपरिषद के निर्णय प्रमुख हुए और कैबिनेट अगर सबसे मुख्य मंत्री है, ठीक है, जो कैबिनेट है वह सबसे प्रमुख है अगर निर्णय लेने में, तो किसकी चलेगी? ऑब्वियस सी बात है, कैबिनेट की चलेगी। तो अब यहां याद रखो कि संसदीय लोकतंत्र का जो रूप है, कभी कभी थोड़ा सा टफ और क्लास बड़ी लग सकती है, लेकिन उतनी आदत आप सभी को डालनी होगी, ठीक है। संसदीय लोकतंत्र में कैबिनेट रूप क्या होता है कि अधिकांश जो फैसले हैं वह कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं, बाकी मंत्रियों को चुप करके इन फैसलों को मानना होता है। अगर आप इनके विरोध में गए तो आप जा सकते हैं, है ना, बस वही बात है। और देखो, हर मंत्रालय का अपना सचिव भी होता है, कैबिनेट सचिवालय भी होता है, हर एक मंत्रालय का अपना क्या होगा, एक सचिव भी होगा, और सचिव अलग से भी, जो सचिवालय है, सेक्रेटरियट है, आप सुनते हैं ना दिल्ली में सेक्रेटरियट, मेट्रो स्टेशन भी है, तो वहां पर सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वह होते हैं, क्लियर। तो ये तीन मंत्री होंगे। अब आगे हम बात करेंगे पीएम के अधिकार की और राष्ट्रपति की, और इसके बाद न्यायपालिका, ठीक है। और दो तीन क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी भी क्लास आपकी आधे घंटे की फ्रेंड्स बची हुई है, डेढ़ बजे तक आपकी जो क्लास है शायद चलेगी, और आप सभी बच्चे जो है वह लास्ट तक बने रहेंगे। मैं देखती हूँ सबसे लास्ट में कौन है। अच्छा स्कंद, आपको इंटरेस्टिंग क्लास लग रही है, अच्छी बात है। अगर सरकार गिर जाएगी तो क्या होगा, ये सारी बातें बहुत टफ है सीके चंद, आगे हम समझेंगे इस चीज को, ठीक है, ठीक है। चलिए, सो अब पीएम के अधिकारों की हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार क्या है या क्या नहीं है, पीटी मीन्स दोनों में इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रधानमंत्री के अधिकार, सबसे पहले तो आप सभी को मैंने यही बताया कि प्रधानमंत्री सबसे फर्स्ट क्या करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ठीक है, सिफारिशें ये करेगा, लेकिन जो ठप्पा है वह राष्ट्रपति लगाते हैं। सबसे फर्स्ट देखो सरकार का प्रमुख कौन होगा, सो पीएम होगा,
और सरकार का प्रमुख होने के नाते जो कैबिनेट की जो बैठकें होती हैं, कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, कैबिनेट इंपॉर्टेंट है, इससे सारी चीजों का फ्लो चार्ट बनवा रही हूँ, ध्यान रखना, सारे टॉपिक का फ्लो चार्ट बनवा रही हूँ, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खूब क्वेश्चंस आते हैं। कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना काम होगा, विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करना इनका काम होगा, विभिन्न विभागों के कार्यान्वयन के बीच में समन्वय करना, ठीक है। नेक्स्ट होगा विभागों की निगरानी और मंत्रियों के लिए कार्यों का वितरण पुनर्वितरण। विभागों की निगरानी करना, काम चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि सरकार का प्रमुख है, सो ऑब्वियसली बात है, देखेंगे ये, ठीक है। और साथ ही मंत्रियों को कार्यों का वितरण भी और पुनर्वितरण भी। जो बच्चे लिखते नहीं हैं, अच्छा सही नहीं करते बच्चे, आप सही स्ट्रेटजी रही है, लिखना है आपको, ठीक है। साथ ही साथ देखो, अगर पीएम पद छोड़े तो क्या पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे देना चाहिए? अगर पीएम के द्वारा पद छोड़ा जाता है तो क्या पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल, जब ऑब्वियसली बात है कि जब हेड ही जो है वह चला जाएगा तो बाकी शरीर का कोई काम नहीं है, बस वही बात है। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर यूपीएससी भी इस कॉन्सेप्ट को पूछ चुका है, छोटी छोटी सी बात है लेकिन चूंकि इतनी सारी है कि आप याद नहीं रख पाते, वही परीक्षा में आ जाती है। तो अगर पीएम ने इस्तीफा दिया तो मंत्रिपरिषद अपने आप बर्खास्त हो गई, करने की भी जरूरत नहीं है, मंत्रिपरिषद जो है वह बर्खास्त हो जाती है। क्लियर? इस्तीफा दिया तो अपने आप ये जो है वह बर्खास्त हो गई, यानी हम इस लाइन से यह स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि संसदीय सरकार को प्रधानमंत्रीय सरकार भी कहा जाता है। इस लाइन से यह समझ में आया कि संसदीय जो सरकार है, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, संसदीय सरकार को प्रधानमंत्रीय सरकार कहा जाता है। मान लीजिए प्रश्न आए कि क्यों कहा जाता है प्रधानमंत्री सरकार, तो चूंकि अगर पीएम के द्वारा इस्तीफा दिया गया तो पूरा मंत्रिपरिषद ही चला गया, तो अब तो निर्णय के लेने के लिए कोई बचा ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है हम इसे प्रधानमंत्री सरकार ही तो कहेंगे, कि जब तक प्रधानमंत्री है तब तक सब है, प्रधानमंत्री नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, है ना। तो इसलिए ये हमारा काफी एक प्रमुख पद है, सरकार का प्रमुख पद। अब आप सभी को बताना है, पता तो सबको है कि मोदी जी हैं, ठीक है, पता तो सबको है कि मोदी जी हैं, कि मोटेरा स्टेडियम का नाम भी अब नरेंद्र मोदी हो गया, लेकिन ये आप सभी को बताना है कि वह कौन से क्रम के प्रधानमंत्री हैं। कौन से क्रम के प्रधानमंत्री, ये आप सभी मुझे बताइए, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि भारत में प्रधानमंत्री का जो पद है वह संविधान में बहुत शक्तिशाली है, फर्क पड़ता है कि इस पर बैठने वाला कौन है। तो इसमें एक लाइन आती है कि व्यक्तित्व की, किसकी व्यक्तित्व की, जिसका व्यक्तित्व जितना प्रभावशाली होगा वह उतना ही गद्दावर नेता होगा, जैसे ही गद्दावर नेता, है ना। अब देखो, जैसे हम जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, इनके साथ बहुत जन समर्थन था, लोगों में प्रिय थे, चाचा नेहरू थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी चलाई तो किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर दूसरी बात, हम इंदिरा जी की बात कर लें, इंदिरा गांधी किचन कैबिनेट केवल दो चार लोगों के माध्यम से ही
सारा जो देश है वह चलाती थी। इसी के बाद फिर बस लोकतंत्र बचाओ के जो नारे हैं वह बाकी पार्टियों के द्वारा दिए गए। यानी व्यक्तित्व, जैसे अभी हम बात कर ले, जब मनमोहन सिंह थे तब हमारा पक्ष उतना मजबूत हमें समझ में नहीं आता था क्योंकि वो जरा कम बोलते थे। अब नरेंद्र मोदी जी की बात कर ले तो कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी कैसे हैं, अपना एक उनका व्यक्तित्व है और इसकी वजह से जो हमारा लगता है कि हाँ हमारे पास भी कोई ऐसा नेता है, ठीक है, जो हमारी बातों को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा कर रख देता है। तो वह क्या है कि किसी व्यक्तित्व विशेष का फर्क पड़ता है कि वह पीएम है, तो व्यक्तित्व इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन देखो समटाइम्स हम लाख व्यक्तित्व की बात कर लें, अभी बहुमत पार्टी वाली सरकार है, बहुमत है सरकार के पास, इनके सरकार के पास बहुमत नहीं होता, गठबंधन सरकार होती, तो गठबंधन में फिर पीएम को पीएम फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, अपने अनुसार फैसले नहीं लेगा, पीएम फैसले के लिए स्वतंत्र नहीं होता, फिर बाकी पार्टियों का मुंह देखो कि भैया तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, आपस में एक सहमति बना लेते हैं, चीजों को चला लेते हैं, ठीक है, फिर इस तरह की बातें आती हो गया है। ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट दो बातें बची है, एक तो राष्ट्रपति और दूसरा न्यायपालिका, ठीक है। राष्ट्रपति का भी एकदम छोटा सा है कि सरकार के प्रमुख, अगर हम कहने के लिए कहें, नाम मात्र के रूप में कहें, सेंट्रल विस्टा बता चुकी हूं अनीस, सेंट्रल विस्टा पर बात हो चुकी है क्लास में, ठीक है। डिंपल आपकी बात भी पहुंच गई है, एंड सभी बच्चों की जो टेलीग्राम वाली बात थी कि जो संगठन है वह मैं आपके करा दूं, सारे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी क्लास भी मैं जल्दी ही लाऊंगी, ठीक है। और साथ ही साथ जो सरकार की जो अब तक की योजना है, ठीक है, चलिए। तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, लेकिन उसके पहले पूछती हूँ आप सभी से कुछ क्वेश्चंस। देखो सारी चीजें वैसे मैंने आपको बता दी है, फिर भी लगता है तो एक बार पीडीएफ पढ़ना आप सभी का भी दायित्व होगा। फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके पहले दो क्वेश्चन आप सभी मुझे बताएं। ये क्वेश्चन, इस तरह का जो क्वेश्चन है, यूपीएससी पूछ चुका है, भारत में राष्ट्रपति का पद किस देश की व्यवस्था के समकक्ष है? अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन की महारानी, कनाडा की संघात्मक व्यवस्था में कार्यकारी प्रमुख की स्थिति, या फिर ए और बी दोनों। भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वह किस देश की व्यवस्था के, किस देश की व्यवस्था के समकक्ष है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एस उपाध्याय, रितिका, सीके चंद, डिंपल, रानी, आपके जो आंसर्स हैं, सिया, आपके जो आंसर्स हैं वह बिल्कुल सही है कि जो ब्रिटेन की महारानी है उनके समकक्ष है। अमेरिका के राष्ट्रपति तो बहुत स्ट्रांग है भाई, वहां पर तो विधायिका कार्यपालिका अलग अलग है, तो राष्ट्रपति पर किसी का नियंत्रण नहीं है, वहां के संविधान के वह ऊपर है। लेकिन हमारे यहाँ जो संविधान है सभी संविधान के अंदर आते हैं, चाहे वह राष्ट्रपति हो या फिर वह कांताबाई हो, याद है ना पिछली क्लासेस। तो संविधान जो है वह हमारे देश में कैसा है, सर्वोपरि है, ठीक है। संविधान ही हमारे देश में सर्वोपरि है और ब्रिटेन की महारानी के समकक्ष जो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का चयन, खूब पूछा जाता है, इनकी जो चयन की विधि है उसे किसी क्लास में हम स्पेशली समझेंगे, ठीक है, आगे की क्लासेस में। अभी बताओ इनका चयन कैसे होता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उन्हें चुनते हैं, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, क्या होगा आंसर? जनता, आप प्रत्यक्ष रूप से कभी राष्ट्रपति के लिए कौन वोट देने गया है बताओ, कोई है जो राष्ट्रपति के लिए वोट देने गया हो प्रत्यक्ष रूप से? हाँ शायद कोई देने नहीं गया, अच्छा है, चले भी मत जाना मैसेज में। जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती, ये बात सही है, राज्य की विधानसभा और संसद सदस्य चुनते हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका प्रमुख होता है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए
एक बार फ्लो चार्ट से समझाती हूँ आप सभी को, और फ्लो चार्ट के बाद फिर थोड़ी सी जो रीडिंग बची है वो करा के कुछ क्वेश्चंस हैं उसे भी हम देख लेंगे। सबसे पहले देखो, जब हम राष्ट्राध्यक्ष की बात करते हैं, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसमें देखिए, ये नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, ये नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, असली तो जो शक्तियों का लाभ उठाता है, यूज करता है, वह प्रधानमंत्री होंगे। एंड साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि ब्रिटेन की महारानी के समकक्ष इनकी स्थिति होती है, ब्रिटेन की महारानी के समकक्ष। कार्य क्या होता है इनका? इनके पास भी कार्य होता है, बिल्कुल होता है, आप सभी देखते हैं। इनका, इनके पास जो कार्य होता है कि देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं की निगरानी, अब राजनीतिक में सब आ गए, देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं की निगरानी, देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं की निगरानी करना, ये इनका मेन कार्य है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, चुनाव की बात करें तो जो संसद और विधानसभा के सदस्य हैं, कुछ मुख्य बातें, जैसे सारी गतिविधियां, सारी नीति इन्हीं के नाम पर बनती हैं, सारी नीति और जो गतिविधियां हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर होंगी, ठीक है, सभी किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर। सभी प्रमुख नियुक्तियों की हम बात कर लें, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं या नहीं करते हैं, नियुक्तियों की हम बात कर ले, चाहे मुख्य न्यायाधीश की बात हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात हो, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, राज्य, दो चार नाम आप भी लिखिए जरा कमेंट में, राज्यपाल हो, चुनाव आयुक्त हो, ठीक है। तो इन सभी की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं, एक लिस्ट बनाना जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले से। और एक बात और याद रखो कि ये रक्षा बलों के सुप्रीम कमांडर होते हैं, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, जल थल नभ, सर्वोच्च सेनापति होता है किसका? तीनों सेनाओं का। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होंगे, सुप्रीम कमांडर होंगे, और कोई भी विधेयक तभी मंजूरी बनेगा, कोई भी विधेयक तभी कानून बनेगा जब इनके कलम से वह निकल जाएगा, ठीक है। अब लास्ट है बच्चे, 5 मिनट और सबर रखिए, न्यायपालिका की हम बात करते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया? बाकी जो बचेगा ना, आपको लगेगा कि चीजें क्लियर नहीं है, उस पर भी हम आगे बात कर लेंगे। आइए न्यायपालिका की बात करते हैं। देखिए, हम कुछ स्तरों की बात करते हैं। आप सभी को पता है कि न्यायपालिका न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं है, बल्कि न्यायिक शक्तियां जो है वह हायरार्की में, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर बाकी सेशन कोर्ट है, फिर स्थानीय चीजें हैं, वो सारी चीजें बाद में। सबसे पहले देखो, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर कौन है? नामी है सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तो हाईकोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, ठीक है। फिर उसके बाद होंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय,
और उसके बाद फिर है स्थानीय स्तर, फिर है चौथा स्थानीय स्तर, ठीक है। और ये जो सम्मिलित रूप है ना, इसे ही हम न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका मतलब ये सभी, न्यायपालिका की जब हम बात करते हैं यानी सभी स्तरों का जो मुख्य स्वरूप है उसे हम न्यायपालिका कहेंगे, ठीक है। तो देखो, लोकतंत्र में स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र में, ये क्वेश्चन भी आपके लिए मेंस का हो सकता है, लोकतंत्र में स्वतंत्र और प्रभावशाली दो शब्द हैं, स्वतंत्र भी हो और उसका प्रभाव भी हो, स्वतंत्र और प्रभावशाली हो न्यायपालिका, तो यहां पर इसकी स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? इसकी स्वतंत्रता का अर्थ है कि यह कार्यपालिका और यह विधायिका, इनके दबाव से मुक्त होगी। कार्यपालिका और विधायिका इनके दबाव में नहीं होगी, इनके दबाव से स्वतंत्र होगी। क्लियर है? यही है इसका स्वतंत्र रूप, ठीक है। अब देखो, आवश्यक क्यों है स्वतंत्र न्यायपालिका की, जब हम बात करते हैं लोकतंत्र में आवश्यक क्यों है, लोगों को परेशानी होगी, कहां जाएंगे, ठीक है, आवश्यकता क्यों है? तो निष्पक्ष न्याय व्यवस्था हो हमारी, हमारी जो न्याय व्यवस्था है निष्पक्ष हो, ठीक है, सरकार की जो कार्रवाई है उसे आंका जा सके, सरकार की कार्रवाइयों को आंका जा सके, इसके लिए यूजफुल है, इसके लिए हमें चाहिए। दूसरा है निष्पक्ष न्याय हो, निष्पक्ष न्याय के लिए हमें स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका की आवश्यकता है। और तीसरी बात है कि अपीलेट ज्यूरिडिक्शन हो, दैट मीन्स अगर आपको किसी और के, मान लीजिए स्थानीय स्तर से प्रॉब्लम है तो आप जिला पर जाइए, जिला स्तर से प्रॉब्लम है हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट से प्रॉब्लम है सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट इस देश में सर्वोच्च जो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है यानी अपीली अधिकार है वह रखता है। तो अपील करने का जो अधिकार है, अपील करने की शक्ति हो, ठीक है, तो ये लोकतंत्र में स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका की भूमिका के लिए आवश्यक है। यानी न्यायपालिका का अर्थ क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट नहीं, सभी स्तरों पर मौजूद। जैसे संघवाद का क्या अर्थ है? दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें। वैसे न्यायपालिका का अर्थ होता है सभी स्तरों पर मौजूद न्यायिक व्यवस्था या न्यायिक संस्थाओं का जो समूह है उसे हम न्यायपालिका कहेंगे। तो जो वर्ड है, एकदम वर्ड आपके क्लियर होना चाहिए कि शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा न्यायपालिका। अब देखो, ये किस तरह के विवादों का निपटारा करता है? किसी तरह की प्रॉब्लम अगर होती है, मान लीजिए नागरिक नागरिक आपस में लड़ मर जाएं, इनके लिए विवाद समाधान, राज्य राज्यों के बीच में झगड़ा हो जाए उसके लिए न्यायपालिका, केंद्र राज्यों के बीच में हो जाए या केंद्र केंद्र के बीच में हो जाए, तो झगड़े का तो कोई प्रकार होता है क्या? सारे ही प्रकार होते हैं भाई। तो राज्य और केंद्रों के बीच में हो, नागरिक या राज्यों के बीच में हो, यानी इन सभी के लिए एक विवाद समाधान तंत्र के लिए आपके लिए न्यायपालिका चाहिए। समझ आया? आप कभी भी न्यायपालिका लिखा है तो उस पर लिख लोगे कुछ शब्द? ये फ्लो चार्ट नहीं है बच्चे, ये एक तरह से समरी है, ठीक है, समरी है बच्चे, समरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए। पर्सनली आप मेरी क्लास डेली देखते हैं इसलिए आपको बताएं कि कभी भी संवैधानिक जो भी व्यवस्थाएं हैं,
ओके सो शायद अभी जो बफरिंग इशू है वह सॉल्व हुआ है. सो बाकी क्लास को फिर हम कल देखते हैं. ठीक है.